अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कल जो है वो प्रोसिक्यूशन ऑन फॉलोअर्स का हमने पार्ट ए खत्म किया है, सो वी आर स्टार्टिंग पार्ट बी राइट नाउ। और जो पार्ट बी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसको मैं बोलता हूँ लेसन्स वाले क्वेश्चंस। और ये लेसन्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे हमारे पास जो है वो पेपर में एग्जामिनर साहब जो है वो पार्ट बी में बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि वी हैव 32% मार्क्स ऑफ पार्ट बी आउट ऑफ 100% मार्क्स, यानी कि पेपर वन पेपर टू में, क्योंकि 50-50 मार्क्स के हमारे एग्जाम्स हैं। तो 16 मार्क्स के पार्ट एज पार्ट बीज जो है वो आपके पास पेपर वन में, 16 मार्क्स के पार्ट बीज पेपर टू में। तो इस सूरत हाल में अल्लाह को भला करे पेपर वन पेपर टू में जब 32 मार्क्स के पार्ट बीज आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर साहब ऐसे देंगे कि सिग्निफिकेंस क्यों होंगे, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ मुस्लिम माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एग्जामिनर साहब जो है वो उसमें बोलेंगे सजेस्ट रीजन ऑफ मुस्लिम माइग्रेशन या सजेस्ट रीजन ऑफ तो कम से कम वो दो या तीन क्वेश्चन ऐसे देता है जिसमें एग्जामिनर लेसन को रेफर करता है। तो कभी एग्जामिनर साहब ने आपसे जो है वो रीजन पूछने हैं, कभी उसने सिग्निफिकेंस पूछने हैं, कभी उसने जो है वो आपसे ओपिनियंस पूछने हैं। पेपर टू में यूजुअली ओपिनियंस पूछता है क्योंकि उसमें कैलिफेट आ गई या फिर पिलर्स ऑफ इस्लाम में ओपिनियंस पे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। पेपर वन में क्योंकि हमारे पास जो है वो ज्यादा स्टोरीज हैं, स्पेशली व्हेन यू सी द स्टोरीज ऑफ द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग्रुप पढ़ लेते हैं अल्लाहु मसल्ला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नक हमीद मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नक हमीद मजीद। तो क्योंकि पेपर वन में स्टोरीज ज्यादा हैं कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु टेरिबली टॉर्चर्ड, फिर हजरत बिलाल की जिंदगी बहुत मुश्किल गुजरी, फिर अम्मार बिन यासिर की जिंदगी की बात हो गई, या खालिद बिन वलीद का किस्सा हो गया। तो एग्जामिनर जो है अबू सुफियान पूरी जिंदगी प्रॉफिट के दुश्मन रहे और आखिरी सालों में ही बिकेम दी जो है वो कंपेनियन ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। तो यहाँ पर जो है पेपर वन में यूजली चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो लेसन के क्वेश्चन पूछे। तो मेरा ये मानना है कि आउट ऑफ 32% मार्क्स अगर एग्जामिनर दो या तीन क्वेश्चन देगा लेसन के, किसी भी एरिया में लेसन के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको कुछ मॉडल्स देता हूँ, व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ये क्वेश्चन पासवर्ड में मिल जाए आपको शायद इन फ्यूचर में आ जाए। व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम द मार्टिरडम ऑफ हजरत अली, हजरत उमर, हजरत उस्मान। व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम द बैटल ऑफ उहद, ये पासवर्ड में मौजूद है। व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर एंड द बैटल ऑफ मुता, या कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर या सीज ऑफ हुनैन को रिलेट करता है अक्सर। What lessons do we learn from the conquest of Makkah? बहुत ज़्यादा popular question है पासवर्ड का। What lessons do we learn from the conversion of the of the slaves in the early period of in the early preaching by Hazrat Muhammad peace upon him? तो lessons की questions जो हैं उनका format एक ही रहता है। अब इस पे अगर हम लोग आज पूरी क्लास में सिर्फ इसका ही फॉर्मेट सीखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ इतना ज्यादा ये worth it है, क्योंकि अगर स्टूडेंट जो है वो lessons वाले questions properly attempt नहीं कर पाएगा तो ये बात तो आज ही conclusive हो गई कि ये स्टूडेंट जो है वो अपने पार्ट बी जो 32 मार्क्स के हैं उसने 8-12 मार्क्स में बहुत बुरा स्कोर करने वाला है। मैं आज पहली और आखिरी बार आपको ये लेसन वाले क्वेश्चंस का जो है पैटर्न बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग के लिए फॉर्चुनेट बात यह है कि ये रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है और ये रिकॉर्डिंग आपके साथ जो है मखसूस है और आपके पास महफूज रहेगी। तो आपको कभी भी लेसन वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं दोबारा कभी भी आपको लेसन वाले क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पढ़ाऊंगा, आज बाकायदा डिटेल के साथ हर हर स्टेप की वर्किंग बताऊंगा। सो पहले हम एक सवाल लिखते हैं और सवाल के बाद मैं आपको उसे चर्चा करता हूं। लेकिन यूजुअली व्हाट स्टूडेंट्स थिंक, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम फॉलोअर्स रिएक्शंस इन दीज डिफिकल्टीज, अभी फॉलोअर्स की जो रिएक्शंस के बारे में बच्चा लेसन लिख रहा है तो लेसन लिखने में बच्चा करता क्या है, वो उसमें से लिख देता है वी लर्न द लेसन ऑफ डिटर्मिनेशन फ्रॉम हज़रत बिलाल, वी लर्न द लेसन ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ हज़रत सुमैया। ये सिर्फ लेसन लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसका बकायदा मार्किंग स्कीम में एक फॉर्मेट डिसाइड हुआ, डिस्कस हुआ या हाईलाइट हुआ, वो थ्री स्टेप्स वर्किंग है। You need to remember that this is an evaluative question we guys are doing. और evaluative question में आपको चीजों को link करने के बाद, यानी कि आप past की कोई भी discussion को लाके currently उसका lesson जो है वो contemporary world से connect करेंगे। Evaluate करना है चीजों को, पुरानी दौर से सीख के आज के दौर में practice implement करके दिखाना है। So you need to add a lot of suggestions in your answer as well. अब यहाँ पर वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, आज बड़ी मुफस्सल तरीके से हम वो बात कर रहे हैं। पहली और आखिरी बार आपको सिखाया जाएगा, ये आइंदा की बात, मैं बहुत सारे लेसन्स वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, ऑलमोस्ट ताइफ होगा, कॉन्कोर्स हो गया, माइग्रेशन हो गया, बैटल्स हो गए, उनके बाद लेसन्स आएंगे। लेकिन मैं फिर लेसन्स और उसमें जो है वो जहां से वो सीखा वो बता दिया करूंगा, पूरा पूरा पैटर्न हर क्लास में डिस्कस होगा, उसमें आधा आधा घंटा अपना नहीं लगा सकते। सो वी डू हैव टू ऑब्जेक्टिव्स फॉर टुडेज क्लास। नंबर वन, लेसन्स वाले क्वेश्चंस का फॉर्मेट।
फिर लेसन्स वी लर्न फ्रॉम द फॉलोअर्स रिएक्शंस, लेसन्स वी लर्न फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिएक्शंस और फिर ड्यूरिंग डिफिकल्टीज, और एक पूरा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोसिक्यूशन का आंसर खत्म करना हो जाएगा इंशाल्लाह 90 मिनट्स के अंदर। लेकिन आप जो है पहले मेरे साथ एक सवाल लिखें। सो वी आर ऑन पेज नंबर 16 ऑफ वर्कबुक नंबर 3A, वर्कबुक नंबर 3A के पेज नंबर 16 पर हम लोग मौजूद हैं। उधर हम क्वेश्चन बी लिख रहे हैं क्योंकि अगर हमने प्रोसिक्यूशन ऑन फॉलोअर्स का आंसर खत्म किया है। सो नाउ वी आर राइटिंग क्वेश्चन बी, वर्कबुक नंबर 3A पेज नंबर 16। What lessons do we learn from? What lessons do we learn from followers' reaction? What lessons do we learn from followers' reactions in these difficulties? What lessons do we learn from followers' reactions in these difficulties? चलें हम बताएं। हज़रत खब्बाब बिन अराद वाज़ बॉर्न विद एन आयरन रॉड एंड ही वाज़ एट वन ओकेजन ही वाज़ यू नो मेड टू लाई ऑन हिज बैक ऑन द पैड ऑफ बर्निंग कोल। तो खब्बाब बिन अराद से क्या सीखा? When he was, you know, burned on the bed of burning coal, उन्हें कोई शिकायत नहीं की, कोई उन्होंने कोई वावेला नहीं मचाया। ठीक है, दो जवाब आ रहे हैं और दोनों जवाब करेक्ट हैं। नंबर वन, उनसे डिटर्मिनेशन सीखी। नंबर टू, उनसे कोई कह रहा है सबर, कोई कह रहा है टॉलरेंस, कोई कह रहा है पेशेंस, और नेवर गिव अप, डिटर्मिनेशन को बोलते हैं नॉट टू क्विट। तो ये जवाब बिल्कुल ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे और आपको ऐसे जो है वो दीन सिखाते रहे। तो ये बताइए, हज़रत सुमैया ने तो अपनी जान दे दी थी, सुमाई से कुछ सीखा होगा आपने? सैक्रिफाइस सीखा आपने सुमाई से, सैक्रिफाइसिंग फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह, सैक्रिफाइसिंग फॉर द बिगर कॉज, सैक्रिफाइसिंग फॉर द सक्सेस इन द बोथ वर्ल्ड्स, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू कॉल इट। हज़रत बिलाल मजहब नहीं छोड़ रहे थे, बहुत पीटा, कभी जमीन पे बांध के, कभी रेत पे बांध के, कभी पत्थर रख के। लेकिन बिलाल रजी अल्लाह, पेज नंबर सामने लिखा हुआ, अल्लाह के बंदे बंदियों, मतलब इतना तो नहीं होना चाहिए, सामने पेज नंबर लिखा हुआ, ये रहा पेज नंबर, ये देखो इतना बड़ा पेज। इसके बावजूद भी सवाल हो रहा है तो इसका मतलब कौम थोड़ी सी अंधी हो गई है। तो हजरत बिलाल से डिटर्मिनेशन सीख लिया आपने। अच्छा, जवाब पहले भेज चुके, आप स्टेडफास्टनेस भी कहते हैं, डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। अच्छा, ये सहाबा सारे के सारे इतने मुश्किल हालात में, वर दे डिसलॉयल टू प्रॉफिट और दे वर लॉयल टू प्रॉफिट इन दीज डिफिकल्टीज? दे वर लॉयल, तो इससे हमने सीखा ओबीडियंस टू द लीडर। तो लेसन तो बहुत सारे हैं। अच्छा, ये सवाल अगर पूछो बेटा, अब देखो जवाब सबके सब जवाब दुरुस्त आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ही आ रही है कि वही वाली बात हो गई ना कि मैं अगर आपसे ओरली बात करूं तो आपका एक भी जवाब गलत नहीं होगा, और यूजुअली जो है वो आपको मुझे ए स्टार ही देना पड़ेगा। अगर ओरल एग्जाम कर ले तो ओरल एग्जाम में पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो फिर मसला ही हो जाएगा, किसको ए स्टार दे किसको नहीं, तो सबने ही काम करना है। लेकिन मामला वर्बल पे जब रिटन पे आता तो फंसते हैं। तो रिटन पे तो सर फॉर्मेट फॉलो करने पड़ेंगे। सर खुरन मशहूर क्यों हुए इस्लामिक टीचिंग में कि भाई हम खाली किससे नहीं पढ़ाते, हमें देखना है कि यार हर चीज का एक पैटर्न है, उसको फॉलो करना है। तो ये है जी पैटर्न ऑफ लेसन्स वाले क्वेश्चंस। जानबूझ के इसको इस तरह से लिखा गया है, आप प्लीज इसको कॉपी कर लेंगे तो फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। पैटर्न ऑफ लेसन्स वाले क्वेश्चन में तीन स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन, हाईलाइट एन इवेंट, एक्शन और एटीट्यूड। स्टेप नंबर टू, एक्सट्रैक्ट अ लेसन और मोर देन वन लेसन। और स्टेप नंबर थ्री, सजेस्ट एक्शंस टू इंप्लीमेंट द एक्सट्रैक्टेड लेसन्स इन योर लाइफ। अब ये बहुत ज्यादा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप जरा इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। जल्दी से कॉपी कर लें इसको क्वेश्चन बी के नीचे, तो मैं आपसे बात करना शुरू करूंगा। पैटर्न ऑफ लेसन्स वाले क्वेश्चंस की हेडिंग आएगी। जब जगह खत्म हो जाएगी भाई तो फिर आप एक्स्ट्रा शीट्स पे काम कर सकते हैं ना, तो ये तो बात ना करें, आगे एक्स्ट्रा शीट्स दी नहीं है। बुक नंबर 3A में एक्स्ट्रा शीट्स दी नहीं है। पेज नंबर 39 से एक्स्ट्रा शीट्स भी मौजूद हैं, तो जिसकी जगह खत्म हो जाएगी वो एक्स्ट्रा शीट्स पे काम करेगा। कॉपी कर ले भाई, पैटर्न ऑफ लेसन्स वाले क्वेश्चंस। कर दूं स्टार्ट?
अगर एक्स्ट्रा शीट्स भी खत्म हो जाए तो फातिमा बाजी आपके पास तो रुपये जिस होंगे ना घर पे, ऐसा तो कोई मसला नहीं हो जाएगा, दुनिया तो नहीं खत्म हो जाएगी, एक्स्ट्रा शीट्स ही तो खत्म होंगी। घर से कोई पेज देके उसको स्टेपल कर देंगे, वो पेपर क्लिप से लगा देंगे उसको, ऐसा क्या मसला हो गया? अगर मोहल्ले के पेट्रोल पंप से पेट्रोल खत्म हो गया तो बस कहीं और से भी तो बाय कर पाएंगे ना। पेज नंबर मुझे भूल गया, 17 है पेज नंबर, पेज 17 पर काम हो रहा है। सीधी बाजी क्यों आया थी बीच बीच में? सॉरी, पेज नंबर 16 पर काम हो रहा है, पेज 16 पर काम कर रहा है, पेज 16। हसन बुखारी, आप जितना भी काम करेंगे वो वर्कबुक पे काम करेंगे। सो वर्कबुक के पेज पे व्हाट एवर आई एम आस्किंग यू टू राइट डाउन और नोट डाउन, तो वो आपका वर्कबुक पे जाएगा काम। तो मेन पॉइंट सपोर्टिंग में कोई भी चीज मैं लिखवाऊंगा तो वर्कबुक पे होगी। चले जी। अच्छा, अब मैं जब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्लीज आप जो है बिल्कुल कोई भी टाइपिंग शाइपिंग ना करें, मुझसे कोई सवाल ना करें, अंदर से मैं आपसे कोई सवाल पूछूं। लेकिन मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आप पहले हजरत बिलाल से क्या सीखा, डिटर्मिनेशन, हजरत जो है वो अल्लाह का भला करे, हजरत खबाब बिन आरा से वी हैव टू लर्न द लेसंस ऑफ पेशेंस, परसेवरेंस या फिर टॉलरेंस, और हजरत जो है वो सुमैया से भी लर्न सैक्रिफाइसिंग फॉर अ ग्रेटर कॉज, और हजरत जो है वो बाकी तमाम कंपेनियंस के रिस्पॉन्स ने सीखा ओबीडियंस टू द लीडर। लेसन तो आ जाएंगे, लेकिन लेसन को लिखना कैसे? देखिए जी, पहली बात तो है कि एग्जामिनर को आप सिर्फ वही लेसन कनेक्ट करके दिखा सकते हैं जो पार्ट ए में। अच्छा, कल व्हेन वी वर डिस्कसिंग, तो व्हाइल दे आर हैविंग अ डिस्कशन ऑन डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ टॉर्चर्स ऑन प्रॉफिट्स फॉलोअर्स, वी आल्सो डिस्कस द एन एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट मेल मार्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम के पहले मेल मार्टर का नाम किसको याद है? कल की क्लास में गुजरा है, फर्स्ट मेल मार्टर हजरत यासिर, सेकेंड मेल मार्टर है मिस्टर फहीम। मूसा कहाँ से आ गए? मूसा कौन है? फर्स्ट मेल मार्टर। एक बच्चा कह रहा था तुम्हारा फर्स्ट मेल मार्टर है, तो एक मेल मार्टर में सुमैया का नाम लिख के भेज रहे, ऑसम हो गया, सीन ऑन है। मतलब कुछ बच्चे छत से गिर गए और जहन पे असर पड़ गया उनके। फर्स्ट मेल मार्टर का नाम है हजरत हारिस इब्ने अबी हाला। एनीवेज, तो कल की क्लास में हजरत हारिस इब्ने अभी हाला डिस्कशन में गुजरे, लेकिन ही डिड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ आवर आंसर। मैंने आपसे कहा कि आई एम गिविंग यू एन एडिशनल एग्जांपल ऑफ अ सैक्रिफाइस मेड बाय अ कंपेनियन, और दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अ शहादा। सो अगर कोई स्टूडेंट अपने आंसर में उनको ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन मेरे ऑफिशियल आंसर में कल हजरत हारिस का डिस्कशन नहीं था, तो इसका मतलब क्लियर हुआ हजरत हारिस का डिस्कशन पार्ट बी में भी नहीं हो सकता। So if a person is going to write that Hazrat Haris gave his sacrifice his life for the during persecution, this gives us the lesson of sacrifice. This is not going to be accepted because it is not going to be linked with. It is going to be not going to be connected with the part A answer. So whatever the lessons you are extracting in part B or highlighting in part B, unki detailed story ya unka detailed version part A mein guzrawa hona chahiye. Agar part A mein mention nahi hai, to munasib nahi hai. To isi ki wajah se jaise ek bacche ka sawal bhi aa gaya, Mariam Baji keh rahi hai. पार्ट बी हमेशा ए के बाद ही होता है, कभी भी पार्ट बी पहले अटेम्प्ट नहीं करते, ऐसा करने से सिर्फ आपका नुकसान होगा। तो एनीवेज, तो स्टेप नंबर वन ये है कि सबसे पहले स्टूडेंट को करना ये है कि वो जो है किसी भी इवेंट को हाईलाइट करे। अच्छा, प्लीज डू रिमेम्बर दैट, ये जो स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू है, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, ये बात समझना, आपको चार लेसन लिखने, चार लेसन्स के लिए आपको ये स्टेप थ्री की एक्टिविटी चार बार फॉलो करनी। पहले आप एक इवेंट या किसी का एटीट्यूड हाईलाइट करेंगे, उससे आप लेसन निकालेंगे, और उसके बाद आप कुछ सजेशंस देंगे, वी शुड डू दिस एंड वी शुड नॉट डू दैट। फिर उसके बाद आप एक और इवेंट हाईलाइट करेंगे, एक और लेसन एक्सट्रैक्ट होगा, फिर कुछ और पीसेज ऑफ एडवाइस या सजेशंस आएंगे, वी लर्निंग फ्रॉम दिस, वी शुड डू दिस एंड वी शुड नॉट डू दैट। ऐसा तीसरी बार भी होगा, एक और इवेंट या एटीट्यूड ऑफ अ कंपेनियन आएगा, फिर एक और लेसन एक्सट्रैक्ट होगा, फिर सो मेनी सजेशंस आएंगे, फिर ऐसा चौथी बार होगा। जिस स्टूडेंट ने इसको तीन बार भी साइकिल को रिपीट कर लिया, यानी कि राइटिंग एन इवेंट और एटीट्यूड ऑफ अ कंपेनियन, देन एक्सट्रैक्टिंग अ लेसन एंड देन मेंशनिंग सम सजेशंस, फिर उसके बाद राइटिंग अनदर एटीट्यूड, देन ड्राइंग अनदर लेसन एंड देन मेंशनिंग सो मेनी अदर सजेशंस, फिर राइटिंग अनदर एटीट्यूड, मेंशनिंग अनदर लेसन एंड देन राइटिंग सो मेनी सजेशंस। तो अगर तीन बार भी साइकिल कंप्लीट हो गया, चार बार का अगर अगर टाइम कम पड़ रहा है, 5 मिनट से आपके पास मैक्सिमम, तो इस सूरत-ए-हाल में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप कभी भी लेसन वाले क्वेश्चन में जिसमें हमारे पास टॉपर्स भी
स्कोर नहीं कर पा रहे होते हैं, आप एक मार्क भी लूज नहीं करेंगे इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस प्रोवाइडेड पैटर्न व्हिच वाज गिवन बाय एग्जामिनर इन द मार्किंग स्कीम्स। सो प्लीज प्लीज मेरे से एक बार इसको समझ लें। तो मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया है, वो है हाईलाइट। प्लीज खुदा का वास्ता ये बात तो आप ना भूल जाएगा ना इस पर गलती कर जाएगा कि भाई पार्ट ए मतलब लंबी कर, पार्ट बी कुछ भी कर लंबी ना कर। So whatever your attitude of the event or the action of a sahabi you are going to mention, you need to highlight that. It's a one-line activity. आपको इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है। तो ये एक लाइन एक्टिविटी होगी और एक लाइन एक्टिविटी क्योंकि इसकी डिटेल्स और इसका डिटेल्ड वर्जन ऑलरेडी पार्ट ए में मेंशन है। तो मैं आपको पहले ये एक साइकिल स्टेप वन स्टेप टू करके दिखाता हूँ क्योंकि आपको मेरे साथ पार्टिसिपेट करके मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं हाईलाइट करता हूँ एटीट्यूड। Hazrat Bilal was tortured brutally, but he did not leave faith. He remained determined. ये Hazrat Bilal के बारे में, उनके attitude के बारे में, या उनके action, उनके conduct के बारे में मेरा जो है वो एक comment है। Hazrat Bilal was tortured inhumanely, but he did not renounce faith. He remained determined. He remained determined. ये एक comment आ गया, योग्य step number one. अब इसी से मैंने lesson extract करना है। Please, please, please. Step one, step two, two lines के अंदर खत्म करना है वरना फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। और लाइबा ने पहले से ही लिख दिया है, पता नहीं लाइबा को शायद पहले से पता था। दिस गिव्स अस द लेसन ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब वापस सुनो। हजरत बिलाल वाज टॉर्चर्ड ब्रूटली, ही डिड नॉट रिनाउंस फेथ, ही रिमेन्ड डिटर्मिन्ड। स्टेप नंबर टू आ गया फुल स्टॉप के बाद। दिस गिव्स अस द लेसन ऑफ डिटर्मिनेशन। वापस आते हैं। हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला सैक्रिफाइस हर लाइफ इंस्टेड ऑफ लीविंग फेथ। Step two आ गया। This gives us the lesson of sacrificing for the cause of Allah. अब तीसरा वाला lesson जो है वो line आप मुझे बताएंगे। कैसे मैं बोला? This gives us the lesson of sacrificing for the cause of Allah. तीसरा वाला comment मैं दूंगा, lesson आप लोग बताएंगे। Khabbab was burned on the bed of burning coals, but he remained patient. अब बताओ lesson क्या बनेगा? पूरी statement लिख के भेजो। ये क्या होगा? जन्नत फातिमा आप तो बहुत तसल्ली से सुकून से बैठी हुई है, कोई सबर लिख के भेजे भाई, पूरी स्टेटमेंट चाहिए मुझे, मुझे पूरी स्टेटमेंट चाहिए। खबाब वाज बर्न ऑन द बेड ऑफ बर्निंग कोल्स बट ही रिमेन्ड पेशेंट। दिस गिव्स अस द लेसन ऑफ पेशेंस एंड परसेवरेंस। इसमें बहादुरी कहां से आ गई भाई? दिस गिव्स अस द लेसन ऑफ पेशेंस एंड परसेवरेंस। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं हम लोग जो हैं वो स्टेप वन स्टेप टू फाइनल कर लेते हैं क्योंकि स्टेप थ्री काफी तवील है। आपको स्टेप वन स्टेप टू अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं स्टेप थ्री के बारे में आपसे डिटेल डिस्कशन कर पाऊंगा। सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं चार स्टेप वन बोलूंगा, यानी कि मैं हाईलाइट करूंगा एटीट्यूड्स और उसके फौरन बाद आप लोग जो है वो मुझे जो है लेसन लिख के भेजेंगे। अच्छा, जब मैं आपको एटीट्यूड सुना रहा हूँ तो आपके पास ऑलरेडी क्या टाइप हुआ होना चाहिए? दिस गिव्स अस द लेसन ऑफ। और आगे जो भी आपको लग रहा होगा लेसन वो आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा। तो स्टेप वन सर खुरम कॉमेंट कर रहे हैं, स्टेप टू जो है वो सर खुरम के जो स्टूडेंट एसकेचियंस हैं वो स्टेप टू जो है मुझे टाइप करके भेजेंगे। आपका क्या टाइप हुआ रखा होना चाहिए ताकि जल्दी जवाब आए? दिस गिव्स अस अ लेसन ऑफ। एनीवेज, हजरत बिलाल वाज टॉर्चर्ड ब्रूटली बट ही डिड नॉट रिनाउंस फेथ, ही रिमेन्ड डिटर्मिन्ड फुल स्टॉप। जी, स्टेप टू चाहिए इसका। दिस गिव्स अस अ लेसन ऑफ steadfastness and determination भी हो सकता है। This gives us a lesson of determination. पप्पू हो गया, very good, जबरदस्त, मामला चिल हो गया। This gives us a lesson of determination. चलें जी, next पे आ जाते हैं। हज़रत सुमैया gave away her life for the cause of Islam instead of leaving faith. हज़रत सुमैया gave away her life for the cause of Islam instead of leaving faith. लॉयल्टी नहीं है भाई लेसन, किसी ने लॉयल्टी लिख दिया। दिस गिव्स अस अ लेसन ऑफ सैक्रिफाइसिंग फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह, या दिस गिव्स अस अ लेसन ऑफ सैक्रिफाइसिंग। ठीक है जी, दो हो गए, तीसरे पे आ जाते हैं। अखबाब वाज बर्नड ऑन द बेड ऑफ बर्निंग कोल, इंस्टेड ऑफ लीविंग फेथ ही रिमेन्ड पेशेंट। This gives us a lesson of patience and perseverance भी लिख सकते हैं। This gives us a lesson of patience and perseverance. ठीक है जी। During these difficult times, the companions of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم remained loyal to him.
During these difficult times, the companions of Prophet, peace be upon them, remained loyal to him. This gives us a lesson of obedience to the leader, be correct. This gives us a lesson of loyalty to the leader, be correct. This gives us a lesson of loyalty, be correct. अब उम्मीद है अल्लाह की प्यारी जात से कि आपको इन दो स्टेप्स में तो कोई मसला नहीं है। याद रखना है, ये आपके कैम्ब्रिज एग्जाम्स के 12 मार्क्स की बात हो रही है, कैम्ब्रिज एग्जाम्स के 12 मार्क्स की बात हो रही है। तो कैम्ब्रिज एग्जाम्स में तो लाले कोई भी हम 400 रेस्ट नहीं ले सकते ना। तो ये तो गुफ्तगू जो है वो जरा सा भी इसमें एक बच्चा भी कंफ्यूज रहा तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता। सो आप मुझे बता रहे हैं जी, दिस गिव्स अ लेसन ऑफ फलाना तदीम का ना, और हमने जो सीखा तो अभी आपने गौर कर लिया होगा, हमने जितनी भी गुफ्तगू फरमाई, हमने स्टेप नंबर 1 को वन लाइनर रखा और स्टेप नंबर 2 को भी वन लाइनर रखा, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड डिटेल्स इन दिस आंसर, वो डिटेल जो है वो हम जो है वो स्टेप नंबर 3 के बारे में बताएंगे। अच्छा, अब आपने समझ ली मेरी बात ये कि जब भी हम लोग जो है वो सजेशंस देते हैं, आगे क्या लिखा हुआ, सजेस्ट एक्शंस टू इंप्लीमेंट द एक्सपेक्टेड लेसंस इन योर लाइफ। ये जो एक्शंस है मेरा बच्चा, एक्शंस जो आप सजेस्ट करोगे, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आपके जनरल सजेशंस। सो इन द फर्स्ट पार्ट व्हेन आई विल बी हैविंग अ डिस्कशन विद यू गाइस, इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको जनरल आइडियाज, जनरल सजेशंस सिखाऊंगा, जो कि कोई भी लिखे जा सकते हैं, इट डजंट मीन। अच्छा, स्टेप नंबर 3 जो है वो कोई स्टूडेंट याद भी ना करके जाए, स्टेप नंबर 3 आप अपनी तरफ से रेफर कर सकते हैं, इसमें आपको वी शुड और वी शुड नॉट लिखना होता है। लेकिन जो इसमें जो यू नो मास्टरिंग समथिंग वाली बात आती है ना, जिसमें आता है कि नहीं यार ये जो मामला है, ये बच्चा बहुत ही कोई सॉलिड किस्म की तैयारी करके आया, एक्सप्रेशन भी है, और इस बच्चे ने जो है वो बात को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। इवैल्यूएशन है ना, इवैल्यूएशन बेसिक भी होती है, इवैल्यूएशन इन डेप्थ भी होती है। तो कोई बच्चा जो है इसको एक स्टेप और आगे लेके जाएगा तो वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे जाएगा। प्लीज डू रिमेंबर दैट, अभी तक मैं आपको जितने भी जवाब दूंगा वो जवाब सारे के सारे जनरल सजेशंस हैं। तो जनरल सजेशंस पे बात कर रहा हूं मैं, जब मैं स्पेसिफिक पे आ जाऊंगा तो आई विल लेट यू नो कि जनाब ये स्पेसिफिक सजेशन पे मैं आ गया। एनीवेज, जनरल आइडियाज क्या होते हैं, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, बहुत कोई क्यूट बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। स्पेसिफिक क्या होता है, स्पेसिफिक इज दैट फ्रॉम समबडीज लाइफ, स्पेसिफिक इज फ्रॉम योर ओन लाइफ। तो अपनी पर्सनल एग्जांपल्स या कोई कंटेम्पररी वर्ल्ड से एग्जांपल्स देना, वो एग्जांपल को बड़ी पसंद है। एनीवेज, हम लोग अभी बात आगे कर लेते हैं। अब मोहम्मद जरा देख लेना यार, कोई कैमरास वगैरह ऑन हुए हैं, प्लीज जरा चेक कर लो। मैं ही बंद कर देता हूँ, अनाक्षा बाजी जो है उनका कैमरा ऑन है और ये स्टॉप हो गया। चले जी, हजरत अब गौर से सुनना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है, मेरे हाथ को भी देखते रहिएगा। हजरत बिलाल वाज टॉर्चर्ड ब्रूटली बट ही रिमेन डिटरमिंड इंस्टेड ऑफ लीविंग फेथ। स्टेप नंबर 1 हो गया, कमेंट हो गया वन लाइन का। दिस गिव्स अस अ लेसन ऑफ डिटरमिनेशन, ये मैंने लेसन एक्सट्रैक्ट किया। अब वो लेसन मेरी जिंदगी में कैसे आएगा, लर्निंग फ्रॉम हजरत बिलाल, वी मुस्लिम शुड रिमेन डिटरमिंड व्हेनेवर वी आर वर्किंग फॉर एनी गुड कॉज। स्टेप नंबर 3 आ गया, व्हेनेवर वी आर वर्किंग फॉर एनी गुड कॉज, if you are serving our religion, if you are serving our country, if you are doing something good for our family or for our community, we must understand that in that good cause we will see a lot of obstacles, we will find a lot of troubles and difficulties, but we cannot achieve our goal, we cannot fulfill our agenda without steadfastness and determination. Like Bilal was determined, and eventually Hazrat Bilal radiallahu anhu, not only he remained believer, but he became the first person of Islamic community. This all happened because he was determined in his cause. So we need to be determined whenever we are working for any good cause. अब ये मैंने अभी क्या बोला कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ना मैंने ये बताया कौन सा obstacle, ना मैंने ये बताया कौन सी difficulty, मैंने तो बोल दिया भाई जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसमें determined होना चाहिए। That's a good advice actually. It's a nice suggestion, लेकिन ये generalized है, मैंने इसको किसी जात के साथ और अपनी या जात के साथ specify नहीं किया। So that's a general suggestion and that is acceptable. It is going to give you mark. एक cycle हो गया। Bilal remained determined. This gives a lesson of determination. हमें determined होना चाहिए इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, बहुत चंगी बात, बहुत cute, बहुत अच्छी बात होती है। ये हो गया हमारा एक cycle। ये आपको mark देगा और कभी कभार जो है वो दो या तीन cycle में भी full marks आ जाएंगे। मैं जब स्पेसिफिक में आऊंगा तो आपको समझ में आएगी, पर मुझे आपको थोड़ा सा दिमाग की दही बनानी है, एक बार दिमाग में ठोक के बिठाना है ये पैटर्न, ताकि कोई भी दोबारा कभी इस पैटर्न में गलती ना करे। हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला न्यू दैट शी वाज अबाउट टू डाई, बट शी वाज सो ब्रेव इनफ, बट शी वाज इन दिस इन दैट काइंड ऑफ मूड दैट शी सैक्रिफाइज्ड हर लाइफ इंस्टेड ऑफ लीविंग फेथ। स्टेप 1, दिस गिव्स अस द लेसन ऑफ सैक्रिफाइसिंग फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह।
Learning from Hazrat Sumayya Raziyallahu Ta'ala Anha, we Muslims should remain ready, we Muslims should always be ready to sacrifice anything for the cause of Allah. Ab ek baat isme add karni hai, nayi cheez aayi. Hazrat Sumayya, she sacrificed her life. Now, when you learn from Hazrat Sumayya, you learn the lesson of sacrifice. Theek hai na? Ab jab aap suggestions de rahoge, it is not necessary that your suggestions should be covering the area or concerning the area of sacrificing life only. जब आप बोलोगे कि हजरत सुमैया से सीखा कि इस्लाम के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना है, जरूरी जान ही हो, जान भी आ जाएगी, कभी आप अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं, कभी आप अपनी एनर्जी सैक्रिफाइस करते हैं, कभी आप अपनी यूथ सैक्रिफाइस करते हैं, कभी आप अपना पैसा सैक्रिफाइस करते हैं, एट टाइम्स यू सैक्रिफाइस योर टाइम एज वेल, यू स्पेंड योर टाइम, यू गिव योर टाइम फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह. लर्निंग फॉर हजरत सुमैया सैक्रिफाइस हर लाइफ, दिस गिव्स अस अ लेसन ऑफ सैक्रिफाइसिंग फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह. Inspired by Hazrat Sumayya's sacrifice, we should always be ready, we should always remain ready to sacrifice anything needed for the cause of Allah, for the cause of our religion, for the cause of our country, for the cause of our community or family. If our country, our religion, our community, our family, if they need our time, we should be willing to sacrifice our time for their, to fulfill the agenda related to that. We should be willing, we should be donating generously for the cause, for the help of the poor of the society. We should be donating generously to help our Muslim brothers and sisters. And if needed, we should be brave enough to sacrifice even our life for the cause of Allah. Like at one time, there was a brave Sayyidul Shuhada named Hazrat Hussain bin Ali. He even sacrificed his life and sacrificed the life of his beloved, of his relatives for the cause of Allah. Jisme aapke apne bacche bhi shamil the. तो मैंने हजरत हुसैन को तो कनेक्ट कर दिया ऐसे, जो कि उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करने की कोशिश की, लेकिन आप उसको ना, आप उसको स्पेसिफाई ना करें, बेसिक ही रखें. तो मैंने सैक्रिफाइस के बारे में उसको थोड़ा सा एक्सपैंड भी किया, मैंने लाइफ से निकाल के उसको टाइम, यूथ पे, और उसको जो है मैंने वेल्थ पे भी कनेक्ट कर दिया. तो ये दो साइकिल लोग हैं ना, स्टेटमेंट आया, लेसन आया, और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे जो है वो हमारे पास जो है सजेशन आ गए. अब आगे बढ़ते हैं. Hazrat Khabbab bin Arat was burned on the bed of burning coal, but he remained patient. Step one. This gives us a lesson of patience and perseverance. Learning from Hazrat Khabbab bin Arat, we Muslims should always encounter others' aggression with patience. We should encounter aggression with patience. So if a person is angry with us, we can tolerate that. If a believer is angry with us, if a non-believer is misbehaving with us for any reason, वो हमें नफरत करता है, हमसे नापसंद करता है, या रेसिस्ट है वो, या फिर किसी वजह से वो घर से लड़ाई करके आया है, फॉर एनी रीजन इफ अ पर्सन इज यू नो ऑफेंसिव टुवर्ड्स अस, वी शुड बी यू नो बिहेविंग, वी शुड बी एनकाउंटरिंग हिज एग्रेशन और हिज अब्यूज और हिज रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ पेशेंस एंड परसेवरेंस. अच्छा, अभी तक बातें जनरल हो रही हैं, और सर खुद हम जनरल बातें करने में, अच्छा जब तुम पूरे साइकिल चला रहे होगे, तीन या चार लेसन निकलोगे, सब जगह पे जनरल सजेशन देना, ऐसा करना चाहिए, चंगी गल होती है, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, लेकिन एक आज स्पेसिफिक सजेशन अगर आ गया ना, तो एग्जामिनर कहेगा कि ये बच्चा जो है कंटेम्पररी वर्ल्ड से, अपनी लाइफ से कोई बात लेकर आ गया, तो मामला क्लियर हो गया कि इसको पैटर्न और इवैल्यूएशन में बहुत जबरदस्त किस्म की महारत हासिल है. अब नाउ मूविंग टुवर्ड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. अब देखो मैं जनरल से स्पेसिफिक पे जाऊंगा कैसे. हजरत खबाब प्रैक्टिस पेशेंस, दिस गिव्स अ लेसन ऑफ पेशेंस एंड परसेवरेंस. लर्निंग फ्रॉम हजरत खबाब या इंस्पायर्ड बाय हजरत खबाब, we should encounter aggression with patience. हमें हमेशा गजब और गुस्से का जवाब सबर से देना चाहिए, जनरल है ना. अब इसको स्पेसिफिक कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ से एग्जाम्पल गुजर रहा हूँ. सो मैं आपको ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ. हुआ कुछ यूं कि एक दौर में मैं जो है वो एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था, तो मेरे अपने कैंपसेस हैं SK Solutions के नाम से, लेकिन एक दौर में जो है वो मैं कोचिंग सेंटर बॉडमास के नाम की कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था. तो वहां पर जाके एक दिन मैंने गाड़ी पार्क कर ली अपनी, क्लास में देर हो रही थी, कार मैंने पार्क की, कार पार्क करके मैं अंदर क्लास करने के लिए चला गया. मेरे असिस्टेंट्स वगैरह मेरे साथ होते हैं, तो उस कैफियत में जो है वो कार मैंने जहाँ पार्क की वो किसी साहब की जगह थी, वो वहीं ऊपर फ्लैट्स में गए रहते थे, और मेरे ख्याल से काफी नाराज, काफी ताकतवर आदमी भी थे गालिबन. तो मैंने गाड़ी पार्क कर दी और मैं जो अपनी क्लासेस के लिए चला गया. सेक्शन ABC तीन सेक्शन में पढ़ा रहा था उन दिनों. तो एक मेरा सेक्शन ऑफ हुआ, क्लास अभी अरेंज हो रही थी, मैं ऑफिस में बैठा हुआ वेट कर रहा था. किसी ने वो साहब जब बाहर आए, उन्होंने मेरी गाड़ी देखी तो वो बड़े नाराज हुए, और उन्होंने कहा ये गाड़ी हटाओ यहाँ से. उन्होंने चौकीदार को बोला होगा, तो चौकीदार ने आगे से बोला कि भाई ये गाड़ी नहीं हटेगी, ये सर खुर्रम की गाड़ी है. अब उसने ऑब्वियसली ही वाज अ पावरफुल पर्सन, उस तक MQM का बड़ा दौर था, शायद MQM से उनका लिंक था. तो उन्होंने कहा भाई हमारा बाप कौन आ गया यहाँ पर, खुर्रम कौन है जिसकी ये गाड़ी है जो हट नहीं सकती है. अब मैंने किसी चौकीदार ने बोला कि आप किसी को बोले किसी तेरे बाप की गाड़ी नहीं हटेगी, मेरी तरफ से नहीं था, वो चौकीदार भाई का अपना मसला था.
अब वो बंदा इस बात को सुन के उसकी ईगो और हर्ट हो गई और वो और बड़े नाराज आ गए। अब वो बंदा जब अंदर आया तो अंदर आने पर उसने ऑफिस में एंट्री मारी और ही वाज सो अग्रेसिव ना, और वो इतने अग्रेसिव, मैंने आपको क्या पॉइंट बताया, वी शुड एनकाउंटर अग्रेशन विद पेशेंस। बहुत गजब के साथ उसने वो जो ऑफिस में एंट्री मारी और मैं वहीं पर बैठा हुआ अपनी दूसरी क्लास का वेट कर रहा था और भी लोग मौजूद थे। जैसे ही वो अंदर आया, अंदर आते ही उसने बोला, कौन है खुर्रम जिसकी बाहर गाड़ी खड़ी है। अब जैसे उसने इतने गजबनाक अंदाज में ये सवाल पूछा, कौन है खुर्रम जिसकी बाहर गाड़ी खड़ी है, तो मैंने उसको जवाब दिया, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम खुर्रम है जी, वो ठीक है। तो द मोमेंट आई वॉज सो पोलाइट टू हिम, द मोमेंट आई वॉज सो काम टू हिम, तो उसका पूरा गुस्सा ठंडा हो गया। बिकॉज अगर कोई आपसे लड़ने के लिए आए, तो आपने बोला अरे तेरी ऐसी और आपने बोला आई लव यू टू, तो वो तो बंदा कहेगा भी यार तू लड़ने की मूड में नहीं है। जैसे मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम सर, मैं खुर्रम, गली का नाम है, और मैंने बहुत पोलाइट बड़ी हमली उनसे बात की, कहना सर वो आपकी गाड़ी खड़ी अगर आप हटा देंगे तो, मैंने कहा बिल्कुल हटा देंगे, और गाड़ी हट गई, मामला खत्म। अब इस चीज को वाइस वर्सा में लेके जाओ, इसको घुमाओ। आई एनकाउंटर्ड इज अग्रेशन विद पेशेंस। अब मैं उसके एग्रेशन को अगर ऐसे डील करता तो फिर आगे का सीन आपने प्रेडिक्ट करना है कि क्या होता। वो बंदा अंदर आगे बोलता, जैसे उसने बोला, कौन है खुर्रम जिसकी बाल गाड़ी खड़ी है, मैं कहता ये बड़ा तेरा बाप, बोल। इसके बाद फिर उसने सलावाते देनी थी और मैंने भी लाते देनी थी, और उसके बाद तो होना था थर्ड का सीन ऑन। सो द पॉइंट ओवर हियर इज वी शुड एनकाउंटर एग्रेशन विद पेशेंस, एंड आई एम गिविंग माय एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ। देयर वाज अ टाइम when this there was this person from the neighborhood, he was so aggressive with me and I dealt him with patience. So is puri surat hal mein maine mamla yahan par apni specific example se justify kiya ki sir ye hawai baatein nahi hai, 1400 years pehle se maine seekhi hain, ye contemporary world pe practical baatein hain. Ab is surat hal mein zaruri to nahi hai ki main yahi misal do, examples aur bhi aa sakte hain. Yaad rahe khabab bin arad was burned on the bed of burning coal. ऐसा नहीं है कि आप ऐसी स्पेसिफिक एग्जांपल दें, विद फ्यूचर समबडी ब्रेक इनटू माय हाउस एंड नाउ इज अ बिल गॉट फॉर बेड एंड अ पर्सन यू नो ट्राइज टू बर्न मी ऑन द बेड ऑफ बर्निंग कोल इंस्पायर्ड बाय खम्बाब बिन अराद आई एम आल्सो गोइंग टू बी पेशेंट एंड परसेवियर। ऐसा नहीं होगा यार, आपको वही एग्जाम्पल नहीं देनी है, आपको वो मिसाल देनी है जहां आपने पेशेंस प्रैक्टिस किया। सो जिसने भी हज या उमरा किया है उसके साथ ये हुआ होगा और वो ये मिसाल दे सकता है। मैं अभी अपनी ट्रू एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आपके साथ ऐसा हुआ। आई वॉज डूइंग तवाफ अराउंड द बिल्डिंग ऑफ काबा, I was circumambulating, making the circles over there. And this guy who was tall in height and he was, you know, in a very good size. And that guy was, azan shuru hui, azan ke baad baat karte hain. तो जो भी उमरे के लिए हज के लिए गया उसके साथ ये मंजर हो चुका है, और जो जाएगा उसके साथ ये मंजर होगा, लेकिन उसको इस बात से सीखना और समझना है वो ये कि आई वाज डूइंग तवाफ अराउंड द बिल्डिंग ऑफ काबा एंड दिस मैन हु केम फ्रॉम द रियर साइड हु केम फ्रॉम द बैक साइड एंड ही वाज ड्रैगिंग द व्हीलचेयर विद हिम, ऑब्वियसली समबडी वाज सिटिंग ऑन द व्हीलचेयर। सो आई डोंट नो कि उसको क्या जल्दी थी ना, आओ से आओ देखा ना ताओ देखा, एंड दैट पर्सन हिट विद द व्हीलचेयर ऑन माय फीट। और वो जब व्हीलचेयर लगती है तो उस वक्त जो पहली फील होती है वह ये होती है कि जनाब इजराइल अलैहिस्सलाम आपको गोदी में लेने आ गए, और ये आपकी मौत, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल सामने जो है वो अंधेरा होता है, ऐसा लगता है कि बस अब पानी खत्म हो गई, बहुत ज्यादा तकलीफ दे अमल का। सो व्हेन ही डिड दैट ऑब्वियसली
उसने मुझसे फिर सॉरी भी किया, बाद में मुझे गुस्सा भी बहुत आया, और मैं जब तवाफ कर रहा था मेरे आगे आगे फिर वो व्हील चेयर लेके जा रहा था और मुझे गुस्सा आता रहा, लेकिन इन द एंटायर टाइम इंस्पायर्ड बाय खब्बाब बिन अलादी, व्हाटएवर इंस्पायर्ड बाय मोस्ट मेनी ऑफ द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, आई प्रैक्टिस पेशेंस एंड परसेवरेंस कि यार अब अल्लाह के घर के सामने थोड़ी लड़ेंगे। अब ऐसा तो और कई बार भी हो सकता है, ऐसा तो मुमकिन नहीं कि आपने कभी सबर नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है यू कैन से दैट इट वाज माय वेरी फर्स्ट क्लास, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू अ टीचर एंड द टीचर वाज इन अ बैड मूड, द टीचर इंसल्टेड मी, एंड इंस्पायर्ड बाय खब्बाब बिन अराद आई प्रैक्टिस पेशेंस एंड परसेवरेंस। अब आपका मेरे साथ तो अभी सामना नहीं हुआ, लेकिन अक्सर क्लास में ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स मेरे सामने जो बात करते हैं तो कभी कभार मैं भी उनको जरा जो स्पॉन्टेनियस जवाब देता हूँ तो वो जवाब उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं अगर एग्जाम हॉल में जा रहा हूँ, व्हेनेवर यू गाइस विल बी गोइंग फॉर योर कैम्ब्रिज एग्जाम, सो कैम्ब्रिज एग्जाम से भी ऐसा सीन होगा, मतलब मैं अगर एग्जामिनर हूँ और मेरे सामने एक ऐसी स्क्रिप्ट आ रही है जिसमें ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, यू नीड टू सी कि मैं उसको देखते हुए ये समझूंगा कि बच्चे ने बैठे बिठाए आंसर तैयार किए। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, और अगर ऐसा कोई ट्रू इवेंट हो जाए तो प्लीज उसको स्क्रिप्ट में लिख के आना अपनी, क्योंकि यूजली जब कैम्ब्रिज एग्जाम का पहला पेपर होता है वो पहला पेपर इस्लामियत का होता है, और जब पहले एग्जाम के लिए जाते हैं तो कभी अब्बू का गुस्सा होता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलता है, हजारों लोग पेपर देने जा रहे होते हैं, तो ट्रैफिक में पेशेंस प्रैक्टिस करना, अब्बू की डांट सुनते हुए भी पेपर पढ़ना, या अब्बू की नाराजगी या किसी का भी बात से, अब आप गाड़ी चलाते हुए देख रहे हैं तो अजीब मामला हो रहा है, और फिर आप जो है वो जब कैम्ब्रिज एग्जाम हॉल जाते हैं तो वहां इतने रूड किस्म के सुपरवाइजर्स मिलते हैं, अजीब वगैरह किस्म माहौल होता है, कभी आपको एसी नहीं मिलता, तो आप अपने वो वाकयात भी ले सकते हैं, आई वॉज कमिंग टू फॉर दिस एग्जामिनेशन, and then while coming over here this supervisor, he was so rude to me and he did not speak to me in a humble manner, he did not speak to me or she did not speak to me in a right manner, but inspired by Khabbab bin Arad and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam I practiced patience and perseverance. ab ye jo main misal aapko de raha hu to jitne bhi log drive karte hain un logon ke sath ye ho chuka hoga aur abhi aage aapne isko hamesha practice karna hai. so mere sath to aisa hua kya, I was driving the car and this person who was coming from the rear side, he was continuously honking the horn. And that person was obviously wanted me to change the lane taki wo pata nahi kisi samundar paar unko hawa mein udke jana hoga. So that person who was coming from the back side, he was honking the horn and he was asking me to, you know, change the lane. So being very polite and humble, obviously I changed the lane, and while passing by, when I looked to that person, the driver of the other car, that person showed me his middle finger. I so badly wanted to show him my five fingers, lekin inspired by Hazrat Khabbab bin Arad, I had to practice what? Patience and perseverance. अब अगर सामने से कोई जाता हुआ गाड़ी में आपको कोई गाली देता हुआ चला जाए, वो गाली देता हुआ गया, आपने गाली दे दी है, स्टोरी तो यही एंड हो जाएगी. So yes, people are going to show you weird signs and they are going to do weird stuff with you. लेकिन you should be inspired by Khabbab bin Arad and you guys should be practicing what? Patience and perseverance. So a true story from your houses, from your homes. So my younger brother, now that did not happen to me, lekin aapke age group ko dekhe mujhe lagta hai ki shayad aisi story kisi ke sath hui ho, ki my younger brother, he was playing in kitchen, he was just 2 or 3 years old or something like that, and he was while playing with, you know, with the pots over there, he broke a glass, and the moment the glass was broken, my father and my mother, they rushed to the kitchen, they, you know, affectionately they grabbed my younger brother और उसको पकड़ के गोदी में बिठा के बोला बेटा आप ठीक हो, सब ठीक है, दे जस्ट लव्ड हिम, दे वर सो अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिम, उनको ग्लास की परवाह नहीं थी, किचन की नहीं, भाई की परवाह थी, एंड दैट्स ट्रू इमोशन, कि वी डू नॉट वैल्यू थिंग्स, वी वैल्यू पीपल, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. सो बीइंग वरीड, बीइंग कंसर्न्ड टू इन द केयर ऑफ माय ब्रदर, आई आल्सो वेंट टू द किचन, एंड व्हेन आई सॉ दिस एपिसोड, माय फादर लुकिंग टुवर्ड्स मी, माय फादर सेड दैट अंधा हो गया था, देख नहीं सकता था, अब ग्लास तोड़ा है भाई ने, देख मैं नहीं सकता था. I so badly wanted to say to my father, अबे तू देख लेता बुड्ढे, लेकिन inspired by Khabbab bin Arad, I practice what? Patience and perseverance. क्योंकि अब्बा है ना, अब्बा की गलत बात पे भी सबर करना है, सही बात पे भी सबर करना है, और यूजली ये बात तो होती है गलती छोटे की डांट बड़े को, और मामला जो है छोटा, अच्छा ग्रेड किसी और क्या है, उसका ए आया तो आपको डांट पड़ी है, उसका ए आया तो मुझे भी डांट रहे हो, अगर वो फेल हो गया तो भी उसका ए आएगा तो भी आपको डांट पड़ेगी, उसका वो फेल होगा तो भी आपको डांट पड़ेगी, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर मैनर वी नीड टू डू व्हाट, बिकॉज दे आर सो अमेजिंग पीपल, दे आर ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह फॉर अस, सो वी नीड टू प्रैक्टिस व्हाट? पेशेंस एंड परसेवरेंस. कभी मैकडॉनल्ड्स की लाइन में खड़े होकर पेशेंस प्रैक्टिस किया होगा, कभी आप पहले चले गए होंगे लेकिन ऑर्डर किसी और को पहले दे दिया होगा तो आपने पेशेंस प्रैक्टिस किया होगा, कभी लाइट चली गई होगी और के इलेक्ट्रिक वालों को आपका दिल कर रहा हो कि आप वो गालियां दें जो कभी किसी ने लिखी होंगी या सुनी होंगी, लेकिन आपने फिर भी सबर कर लिया होगा,
तो आपके घर में पानी घुस गया होगा, आप कुछ नहीं कर सके सिवाय सबर के, तो यू नीड टू प्रैक्टिस पेशेंस प्रेजेंस। कोई तो मिसाल होगी ना सबर की, कभी तो सबर किया होगा, चले कोई नहीं मिसाल तो आप ये बोलें। इट वॉज माई वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ सर खुर्रम हुसैन एंड आई वाज टोल्ड दैट द क्लास स्टार्ट्स एट 4 एंड आई हैड बीन वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग, और जवान का बच्चा 20 मिनट के बाद आया है, इंस्पायर्ड बाय खब्बाब बिन अरार, स्टैंडिंग ऑन दैट साइड ऑफ द स्क्रीन, आई हैड नथिंग टू डू बट प्रैक्टिसिंग पेशेंस एंड परसेवरेंस। मैं आपको इजाजत देता हूँ, चले आप ये वाली एग्जाम्पल भी ठोक दीजिएगा, आपने मेरी क्लास के इंतजार में तो सबर किया होगा ना। So, जनाब बताने का मकसद ये है, इफ अ स्टूडेंट इज गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कंटेम्पररी वर्ल्ड, एग्जामिनर इज गोना लव द फैक्ट दैट दिस स्टूडेंट इज जीनियस, दिस स्टूडेंट इज हैविंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, टेकिंग अ लेसन फ्रॉम द स्टोरी ऑफ 1400 इयर्स बैक, दिस स्टूडेंट इज नाउ ब्रिंगिंग कनेक्टिंग द लेसन विद द कंटेम्पररी वर्ल्ड फ्रॉम हिज और हर ओन लाइफ, एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग समथिंग अमेजिंग इन फॉर्म ऑफ योर ग्रेड्स। और यही वो चीज है जो पार्ट बी में ढूंढी जाती है कि यार ये बच्चा बातों को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा, उस उन बातों को किसे किससे कहानियां समझ रहा है, या जिंदगी में उसको जोड़ पा रहा है नहीं जोड़ पा रहा। तो सर आज आधा घंटा हो गया तकरीबन आपसे तफसीलन गुफ्तगू हुई स्टेप बाय स्टेप वर्किंग की, और आपको समझाया गया कि भाई आपको 3 स्टेप पे वर्किंग करनी है। अब मुझे एक बात बता दो, ये स्टेप 1, 2, 3 का साइकिल कितनी बार चलना चाहिए? 3 to 4 times, very good, very nicely said. Specific example, आप पूरे answer में बेटा सिर्फ एक बार लिख पाएंगे, क्योंकि if you are going to add more and more specific examples, it is going to make your answer absolutely lengthy. और lengthy answer लिखने की वजह से मेरा बच्चा आपके पास time नहीं रहेगा. You will be given only maximum, you will be given maximum 5 minutes for this answer. So in this particular manner, आपको करना ही है कि आप जो है वो general suggestions देते रहें, a comment, a lesson, and some suggestions. Another comment, another lesson, few more suggestions. Another comment, lesson, some suggestions along with 1 or 2 specific suggestions, then that's fine. Story, मैंने तो आपको लंबी करके बताई, आपको छोटा सा एक इवेंट लिख देंगे और उसको लिंक करेंगे, और वो एंड में ही करें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि ऊपर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। 3 to 4 comments, 3 to 4 lessons extracted, so many suggestions, and all out of those many suggestions, उसमें से एक काम हो। अच्छा, इसका एक तरीका ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ही बोलते हैं, खबाब वॉज टॉर्चर्ड, बिलाल वॉज टॉर्चर्ड, सुमैया वॉज टॉर्चर्ड, फॉलोअर्स वॉज टॉर्चर्ड, दिस वन ऑफ द लास्ट माइंड। So we learn the lessons of determination. वो सारे events एक साथ लिख देते हैं, सारे lesson एक साथ लिख देते हैं, फिर suggestions लिखते हैं। ये इतना बुरा answer बनता है, पता नहीं चलता कौन से comment से कौन सा lesson link हुआ, कौन से lesson से कौन सा suggestion और कौन सी advice मिल रही है। तो करना ही चाहिए cycle चलाने। You write a comment, then you extract a lesson, you write suggestions, another comments, another lesson, many suggestions. Hopefully ये आज का होमवर्क जो आपका होगा, आप इसको बहुत अमेजिंगली कर पाएंगे और मेरी स्टोरी आपको याद रहेगी। लेकिन यू गाइस आर अ फॉर्चुनेट ग्रुप, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये और रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है, तो कभी कोई भूल गया ये बात कि लेसन वाले क्वेश्चन कैसे करने, तो ये 30 मिनट्स का आपके पास सेशन मौजूद होगा जिसमें आप ये इसको रेफर करके इंशाल्लाह कभी गलती नहीं करेंगे। तो 3 to 4 कॉमेंट्स, 3 to 4 lessons, and so many suggestions. लेकिन ये साइकिल के फॉर्म में होगा, step 1, step 2, step 3, then again step 1, 2, 3, then again step 1, 2, 3, then again step 1, 2, 3। आज के बाद सर खुर्रम हुसैन आपको क्लास में पढ़ाते हुए जब भी लेसन वाला क्वेश्चन आएगा, सर खुर्रम आपको बताया करेंगे इवेंट, एक्शन या एटीट्यूड। जैसे किसी इवेंट से भी लेसन निकलता है, प्रॉफिट पीस ऑन वेंट टू ताइफ एंड ताइफ वर पीपल ऑफ ताइफ वर हार्श टुवर्ड्स प्रॉफिट, तो वो इवेंट से आपने निकाला। फिर लेसन में अब आपको बताऊंगा मैं इवेंट और या एटीट्यूड और लेसन आपको बताऊंगा, ये सजेशंस मैं आपको नहीं दूंगा। जनरल सजेशंस मेरे नोट्स में मॉडल आंसर्स में लिखे हुए होंगे, स्पेसिफिक सजेशंस मैं नहीं आपको बताऊंगा, स्पेसिफिक सजेशंस आपको अपनी लाइफ से लिखने हैं। और जब हर बच्चे का स्पेसिफिक सजेशन अलग अलग होगा, जो कि जरूरी नहीं कि हर आंसर में लिखा जाए, चलो 3 लेसन वाले क्वेश्चन है किसी एक में स्पेसिफिक सजेशन लिख के आओ, तो एग्जामिनर को पता चलेगा हर किसी की स्क्रिप्ट डिफरेंट है, भले सेम टीचर से पढ़ के आए पर इनकी स्क्रिप्ट में एक यूनिकनेस है, क्योंकि इन सबकी अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है और अपनी अपनी लैंग्वेज, अपनी अपनी कॉम्प्रीहेंशन है। तो फिर मैं आपको हमेशा, क्योंकि आई एम योर टीचर नॉट योर एनिमी, मैं अगर आपको सजेशन भी बता दूं तो होगा पता क्या, आप यही वाले सजेशन लिख के आ जाए करोगे जो मैं आपको बताऊंगा। और मेरे वाले सजेशन अगर आपने लिख के आने, तो मैं ये 30 मिनट्स का टाइम क्यों खर्च करता, मैं आपको लिखवाता बोलता रट्टा मार के आ जाओ। रट्टा नहीं लगवाना, लोगों से अपनी जिंदगी के बारे में लिखवाना है। इसलिए मैं आपसे ये 2 बातें शेयर किया करूंगा, कॉमेंट एंड लेसन्स, जनरल सजेशंस मेरे आंसर नोट्स के हर मॉडल आंसर में आपको मिलेंगे, लेकिन स्पेसिफिक सजेशन मैंने आपको अपनी लाइफ से सुनाए हैं, स्पेसिफिक सजेशन आपको खुद लिखने होंगे। अब हम एक काम करते हैं, अपना आंसर लिख लेते हैं, वापस आ जाइए उसी पेज पे जहां पे क्वेश्चन लिखा था। लिखें जी, पहला लेसन आपने सीखा डिटर्मिनेशन का,
डिटर्मिनेशन का लेसन हम सीख रहे हैं हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला से। दूसरा, तीसरा और चौथा लेसन मॉडल आंसर नोट्स में मौजूद है, कोई तकलीफ हो तो वहां से आप देख सकते हैं। सेकंड लेसन इज ऑफ सेक्रीफाइस, ये हमने सीखा हजरत सुमैया से रजी अल्लाह तआला अन्हा, शी इज द फर्स्ट फीमेल मार्टर। तीसरा लेसन आ गया सर पेशेंस, दैट वी लर्न फ्रॉम हजरत खब्बाब। हजरत खब्बाब का पूरा नाम है हजरत खब्बाब बिन अरात। एंड द फोर्थ लेसन इज ओबीडियंस टू द लीडर। Obedience to the leader. Obedience to the leader में आ जाएगा from the loyalty of followers. कुछ अल्लाह के बंदे अभी तक पेज नंबर पूछ रहे हैं। क्या बात है सर, पेज नंबर 16 आपकी उम्र का पेज नंबर है। बच्चा कह रहा है बट आई एम 15, तो लड़की बोलती है ज्यादा अच्छा लगता है अब्दुल मोईन सिवा। चले जी, पर पेज नंबर 17 आ गया आपकी मंगेतर की उम्र। क्वेश्चन है, outline the difficulties encountered by Prophet peace be upon him Bismillahirrahmanirrahim padh le, naya topic start ho gaya। outline the difficulties encountered by Prophet peace be upon him। between 610 and 622 AD। ये राजी पिछला पेज, डिटर्मिनेशन, सैक्रिफाइस, पेशेंस और ओबीडियंस टू द लीडर। बेटा जल्दी काम करना है ना, मैं तो बहुत स्लो स्लो लिखता हूँ, फिर भी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब आप मस्तियां कर रहे थे। हो गया, चले जी आगे आ जाएं। क्वेश्चन लिखे, आउट ऑफ द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिटवीन द ईयर 610 टू 622 एडी। मेरा बच्चा मुझे बताओ, 10 मार्क्स के इस आंसर में दो डिमांड्स क्या हैं? जल्दी बता दो, 10 मार्क्स के प्रोसिक्यूशन में दो डिमांड्स क्या हैं? Adding 5 to 6 examples of persecution and finishing the framework. थोड़ा तेज काम करना है, मैं राइटिंग ज्यादा कराऊंगा तो आप प्लीज जरा चौकन्ने रहिएगा। तो इस आंसर में आपको प्रॉफिट मोहम्मद पे प्रोसिक्यूशन की 5 to 6 examples देनी है, पर आपको फ्रेमवर्क भी कंप्लीट करना है। आज मैं फ्रेम के बारे में आपको एक दो चीजें नहीं बताऊंगा, पर पहले जल्दी से पैराग्राफिंग कर लो। तो आंसर का फ्रेम, फ्रेम का मतलब होता है स्टार्ट, किसी कुछ लोग नए स्टूडेंट्स हैं, फ्रेम का मतलब है स्टार्टिंग ऑफ द आंसर एंड एंडिंग ऑफ द आंसर। तो दिस आंसर शुड स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 610 AD व्हेन नबी इस्लाम इज गोइंग टू रिसीव द फर्स्ट रेवलेशन। And this is going to be ending at 622 AD, which is the year of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's migration from Makkah to Medina. ये आंसर का फ्रेम है, लेकिन आंसर में हम पैराग्राफ्स दो ही बना सकेंगे। एक पैराग्राफ में हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जहां पर कुरैश की इनसिक्योरिटीज का और दारुल अदबा की मीटिंग का डिस्कशन आएगा, और जो दूसरा हमारा पैराग्राफ आएगा मेरा बच्चा, उसमें हम बताएंगे हाउ दे अपोज्ड एंड प्रोसिक्यूटेड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
So paragraph number one is introduction. Paragraph number two is persecution on Prophet, peace be upon him. Please write down so that I can start immediately. You can have 45 minutes. I may answer the ask khatam karna hai. I'm going to share a couple of new things with you guys. और ये जो बातें मैं आपसे आज शेयर करूंगा, इन बातों को मैं मेरा बच्चा पूरे जो है वो मक्की लाइफ में रिलेट करता रहूंगा, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद की माइग्रेशन तक की बात बार बार डिस्कशन में आएगी, एंड होप सो आपको याद रहेगी. कुछ पुरानी बातें आ रही हैं, कुछ नई बातें आ रही हैं. बट बिफोर गोइंग ऑन एंड बिफोर स्टार्टिंग द आंसर, आई वुड लाइक टू टेल यू द फ्रेम ऑफ द आंसर. एक बार फ्रेम डिस्कस हो जाए उसके बाद फिर हम लोग आगे गुफ्तगू करते हैं. So in the year 610 AD, Hazrat Muhammad ﷺ received the first revelation through the angel called Hazrat Jibrail, and right after receiving the revelation, when he was chosen as the Rasul of Allah, he was ordered by Allah to start the mission of preaching Islam. So by the orders of Allah, from the verses of Surah Shura, verse number 214, Prophet started preaching secretly. Ab sawal aap log ke liye aa raha hai, in these 3 years of secret preaching, Quraysh did not become aggressive because... In these 3 years of secret preaching, Quraysh did not become aggressive because. They underestimated Muslims and they did not know about the complete teachings of Islam. So in these 3 years, when they underestimated Muslims and they did not know about the complete teachings of Islam, the people of Quraysh were not aggressive, they were not so blunt, and they were not so brutal. From the fourth year of prophethood, by the orders of Allah, in Surah Hijr, verse number 94, Hazrat Muhammad started preaching Islam openly. Unfortunately, the open preaching resulted in immediate conversions, and there people of Quraysh came to know about the comprehensive teaching of Islam, and they came to know that Islam is totally against their religious ideologies. So now people of Quraysh became insecure. They became insecure. In bracket, mein mujhe kya likhna chahiye? The people of Quraysh became insecure. Teen tarah ki insecurity scene. They were insecure socially, religiously, and financially. Socially, religiously, and financially insecure Quraysh, they held a meeting in their assembly hall called Darul Nadwa. So, beta, yahan se leke yahan tak ki information, humne followers mein bhi padhi thi, aur yehi hamara paragraph number one introduction hai. Now, in this meeting, a lot of decisions were made, jo ki maine aapko abhi detail mein padhane hain, but those decisions were mainly based on the fact that the Quraysh made an agreement that they are going to oppose and persecute Hazrat Muhammad peace be upon him using their power and capacity. Lekin ye point bada khas hai. So in the next 10 years, ye point jisko yaad rahega, uska pura ka pura answer paragraph number 2 ka design ho gaya. Paragraph number 2 ke pure answer ki ek statement hai. After they made a decision to persecute Hazrat Muhammad peace be upon him, they tortured Prophet peace be upon him verbally, mentally, physically, morally, socially, and financially. In all these various tortures, when they could not stop Hazrat Muhammad peace upon him, so eventually they threatened Prophet peace on his uncle Abu Talib. Abu Talib se kaha gaya to stop his nephew, to withdraw protection from his nephew, and to hand over his nephew Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to the people of Quraysh. Lekin Quraysh, Abu Talib ne jab Prophet se baat ki, to Abu Talib ne aapke hisab se Prophet ke liye support discontinue kiya ya continue kiya? Quraysh, abhi main answer nahi padha raha hai aapko, sirf overall frame bata raha hu, aage tafseel mein baad mein bataunga. Abu Talib ne Quraysh ke threats ke bawajood Prophet ke saath apna support discontinue nahi balki continue kiya. To Quraysh ne iska reaction diya, wo tha social and economical, yani social and economic boycott. Ye boycott jo 619, 620 aur 621 AD tak chalta raha, yani ki nabuwat ke 6th, 7th, 8th, 9th aur 10th year tak boycott chalta raha. Is boycott mein musalmanon ko teen problems the. Ji, teen problems kya the? HTH ka matlab hai hunger, thirst and heat. Soon after the lifting of boycott, Hazrat Abu Talib died. 4 months later, Prophet's beloved wife, Hazrat Khadija, died. Prophet was so sad, he was so much grieving that the year became to be known, because of the grievance of Prophet, because of the sadness of Prophet, the year became to be known as the year of grief. This is what Amr Hazrat bhi bolte hain. Ab ye ek naya point aa gaya jo ki ab aapko samajhna hai. Ye baat jo usually log jo hain wo nahi refer kar pate apne answers mein, wo Abu Talib, when he was dying on his deathbed, Abu Talib was the obviously custodian of Kaaba. He was a leader of a very prestigious Kabila called Banu Hashim. So obviously when a leader is going to die, so somebody is going to inherit leadership from him, jo ki Banu Hashim ke seniors hi the. So Abu Talib on his deathbed, he called upon the seniors of Banu Hashim. Aur ye wohi seniors se jinne se kisi ek ne baad mein Abu Talib ke baad jo hai leader ban jana tha Banu Hashim ka.
On his deathbed, he was highly concerned about obviously his kids. लेकिन अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार आप अपने अभी अपने से जब अपने भतीजे से प्रॉफिट से करते थे. So being very concerned on his deathbed, Abu Talib said to the seniors of Banu Hashim, "After my death, take care of my nephew." So now, when a leader of Banu Hashim is making such a statement to the seniors of Hashim, जिनमें से कोई एक leader बनेगा, so that is actually a binding. That is actually a kind of जो है वो instruction from a leader of Banu Hashim. To the next leader of Banu Hashim, जिसके ऊपर ये duty आएगी, जिसके ऊपर ये compulsion आएगी कि whoever is going to become the next chief of Banu Hashim must give tribal protection to Hazrat Muhammad peace be upon him. So Abu Talib की ये वसीयत है, Abu Talib की ये नसीयत है, ये उनकी ताकीद है, ये उनका हुक्म है. अब Abu Talib के बाद जो नया chief बनेगा, उसको किसी भी circumstances में Hazrat Muhammad सबको tribal protection देनी है. One of the most unfortunate happenings in the life of Hazrat Muhammad, peace be upon him, was that after the death of Hazrat Abu Talib, who was a die-hard supporter of Prophet, peace be upon him, the next tribal chief of Banu Hashim was one of the neighbors of Prophet, one of the uncles of Prophet, who happened to be a bloodthirsty enemy of Hazrat Muhammad, peace be upon him. His name is Abu Jahl aayega. His name is Abu Lahab. प्रॉफिट का पड़ोसी अबू लहब, प्रॉफिट का चाचा अबू लहब. अबू जहल प्रॉफिट का पड़ोसी नहीं है, अबू जहल प्रॉफिट का चाचा नहीं है. सो वन ऑफ द नेबर्स ऑफ प्रॉफिट हु वाज द प्रॉफिट्स अंकल एंड बर्थर्स एनिमी अबू लहब एंड ही बिकेम द ट्राइबल चीफ ऑफ बनू हाशिम अबू तालिब की डेथ के बाद. अब अबू लहब इनहेरिटेड ट्राइबल चीफडम फ्रॉम हजरत अबू तालिब. अबू लहब हैड दिस मजबूरी, ही हैड टू अनाउंस ट्राइबल प्रोटेक्शन फॉर नबी इस्लाम. सो अबू लहब अनाउंस ट्राइबल प्रोटेक्शन फॉर प्रॉफिट पीस अपॉन हिम. लेकिन Every resident of Makkah knew that. ये याद रखनी है लाइन में, पूरे साल बार बार रिपीट करूंगा, आपसे पूछता रहूंगा. Every resident of Makkah knew that ये protection नाम की है, काम की नहीं. ये protection नाम की है, काम की नहीं. ये सिर्फ अल्फाजी बातें हैं, ये pretentious announcement है. अबू तालिब ने प्रॉफिट को protection दी तो हर वक्त हर लम्हा प्रॉफिट की जान की protection के लिए फिक्रमंद थे, यहां तक कि जान चली गई. अबू लहब ने प्रॉफिट को ट्राइबल प्रोटेक्शन डिक्लेयर किए, कोई प्रॉफिट को जाके नुकसान पहुंचा दे, तकलीफ पहुंचा दे, मार भी दे, तो अबू लहब प्रॉफिट की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, बिकॉज अबू लहब हिमसेल्फ वांटेड टू किल प्रॉफिट. फ्यू इयर्स लेटर व्हेन प्रॉफिट्स पीपल ऑफ कुरैश प्लान टू किल नबी इस्लाम, यू नो व्हाट, उसमें 11 लोग जो प्रॉफिट की किलिंग के लिए प्लान में आगे बढ़े, असैसिनेशन के प्लान में, उसमें अबू लहब भी शामिल था. सो अबू लहब की दीवी अनाउंस प्रोटेक्शन नाम की थी, काम की नहीं. टाइप करके भेजो. The protection declared by Abu Lahab, that protection was useless. English में बोलेंगे it was useless, it was pretentious. लेकिन उर्दू में बोलेंगे ये protection नाम की थी, काम की नहीं. ये protection नाम की थी, काम की नहीं. ये protection नाम की थी, काम की नहीं. It was useless, it was pretentious. It was just to be seen by people. It was just to fulfill the formality. It was not for the cause, for the object, or the agenda of giving immunity and protection to Nabi al-Islam. So, jaldi se batao, mera bacha, mere jigar ke tukdo, ye batao ki ye protection jab useless thi, to Prophet batao Makkah mein safe the ya unsafe the? Prophet Makkah mein safe the ya unsafe the? Unsafe the, unsafe the, to Prophet Makkah mein preach nahi kar sakte. 10th year of prophethood चल रहा है, हजरत खदीजा का विसाल हो चुका, अबू तालिब का विसाल हो चुका, तो प्रॉफिट पीरन कहां प्रीच करने के लिए गए? ताइफ. ताइफ के पीपल ऑफ ताइफ वर ब्रूटल, दे इंसल्टेड प्रॉफिट, दे एक्साइल्ड प्रॉफिट, दे टॉर्चर्ड प्रॉफिट, एंड दे रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट प्रॉफिट पीरन इनविटेशन. एंड नाउ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट इज दिस मैन हमजा, आप हंस रहे हैं प्रॉफिट के टॉर्चर्स पे? हमजा हारिस, आई एम स्पीकिंग टू यू. Hamza Haris, why did he mention ha 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 ha? What is this? He typing error to nahi tha? Kisi aur se bhi baat kar rahe ho kya? Aisa hi? Matlab kahin aur ha ha likhna tha, yahan aa gaya. Kahani chal rahi hai sir. So Prophet Taif se reject hue, to ab Huzur Islam dekho Makkah mein preach kar nahi sakte. Taif walon ne Prophet ko accept nahi kiya, to Huzur Islam ne ab Aqaba mein preaching ki. अकाबा की प्रीचिंग में हजरत मोहम्मद सल्लम के साथ तीन मीटिंग्स हुई मैदनाइट्स की, दो प्लेजेस हुए. सेकंड प्लेज के बाद प्रॉफिट को इनविटेशन मिला कि आप मक्का छोड़ के मदीना आ जाएं. उधर से प्रॉफिट पीस अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप मदीना चले जाएं. सो इन द ईयर 622 AD
accepting the invitation of Madianites and following the orders of Allah, Hazrat Muhammad migrated from Makkah to Medina. अब एक बात बताना, ये है पूरा का पूरा पैराग्राफ नंबर टू. इस पैराग्राफ नंबर टू में सबसे ज्यादा क्या चीज डिस्क्राइब होगी, सबसे ज्यादा किस चीज पे बात होगी? पर्सिक्यूशन ऑन प्रॉफिट को आप करेंगे डिस्क्राइब और बाकी सारी चीजों को आप क्या करेंगे आउटलाइन. तो 10 मार्क्स के इस आंसर में दो चीजें हो गई. नंबर वन, 5 to 6 एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सिक्यूशन. वो कौन सी होंगी एग्जाम्पल्स? वर्बल, मेंटल, फिजिकल, मॉरल, सोशल एंड फाइनेंशियल टॉर्चर्स ऑन प्रॉफिट, पीस अपॉन हिम, इसको डिस्क्राइब करेंगे और बाकी तमाम चीजों को आउटलाइन करेंगे. हमारा फ्रेमवर्क कंप्लीट हो गया. ये फ्रेमवर्क बताने का मकसद ये था कि आपको एक बार समझ में आ जाए कि हम वैसी ही स्टोरी करें और कुछ नए पॉइंट बताने थे. अब P1 मैंने आपको करवा दिया था. जब P1 हो चुका था तो ये पैराग्राफ नंबर वन जो आपने एग्जैक्टली पर्सिक्यूशन ऑन फॉलोअर्स में लिखा है वही पूरा का पूरा पैराग्राफ नंबर वन यहाँ पर कॉपी होगा. तो एक काम करते हैं, हम अपना टाइम बचाते हैं क्योंकि हमने ये पैराग्राफ ऑलरेडी कर लिया हुआ है. तो हम लिखते हैं पैराग्राफ नंबर वन का आंसर. लिखना शुरू करो बेटा, पैराग्राफ नंबर वन का आंसर लिखें. सेम एज P1 ऑफ Same as P1 of persecution on followers on page number 15. Same as P1 of persecution on followers on page number 15. इसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट कर देते हैं. अच्छा, मिराज के बारे में there are few students who have been asking, लेकिन मिराज जो है वो actually the procedure of consolation है. मिराज का कोई ताल्लुक persecution से नहीं है. It was actually the aftermath, it was actually the journey which happened for the consolation of Nabi Islam, to cheer Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and to motivate Prophet, to encourage Prophet to carry out his mission. So, is marking scene mein Miraj ki gunjaish nahi hai. So, yes, Taif ke fallen baad Miraj ki journey hui thi, lekin mera bachcha wo yahan discuss nahi ho sakta. Kar do start. Start kar dein janab. Chale ji. So, यहाँ पर जो है वो P1 आपका जब खत्म होगा तो P1 का आपका आखिरी पॉइंट होगा कि कुरैश में they were insecure socially, religiously and financially. They held a meeting in Darul Nadwa. Darul Nadwa में कुरैश ने मीटिंग की और कुरैश ने Darul Nadwa की मीटिंग में डिसीजन दिए प्रॉफिट पीस के खिलाफ. तीन थ्री डिसीजन वर मेड अगेंस्ट हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम. सो एक बात बताइए, कुरैश की प्रायोरिटी क्या होगी? टू जस्ट टॉर्चर प्रॉफिट और टू किल प्रॉफिट? कुरैश बन के सोचो, कुरैश बन के. Those wanted to destroy Islam, those wanted to vanish Islam. So these people wanted to kill Prophet. Lekin ab ye bhi aap hi bata do. So they discuss and there they obviously, God forbid, they had this kind of discussion that they wanted to kill Prophet, but they were not able to do so because they had one majboori. They wanted to kill Prophet, but they could not kill Prophet because. Or they could not decide to kill Prophet because. Prophet Muhammad was already under the tribal protection of his beloved uncle named Abu Talib. Or tribally protected bande ko marna ya marne ke baare mein sochna bhi na mumkin tha. Ab ye wali baat jo hai wo kafi tafseeli aur zaruri hai, kyunki agar koi shakhs jo hai is baat ko nahi samjhe, kyunki baar baar log bolte hain yaar ye tribal protection thi, lekin tribally protected bande ko maar kyun nahi sakte, iske baare mein jawab de dein. To agar ye baat nahi pata hai to beta ek baar samajh lo, kyunki itni baar tribal protection ka word sunoge कि आपकी जो है जिंदगी में एक हिस्सा बन के रह जाएगा ये. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो है वो एक शख्स को ट्राइबल प्रोटेक्शन मिल गई है. ट्राइबल प्रोटेक्शन ट्राइबल चीफ ने दे दी है. अगर ट्राइबल चीफ ने किसी को ट्राइबल प्रोटेक्शन दी तो होगा प्रोसीजर ये, जैसे कि मैं कबीले का आदमी हूँ, लेट्स से कि मैं कबीला बनू मखजूम से हूँ, बनू मखजूम के खुर्रम हुसैन ने ट्राइबल प्रोटेक्शन देनी है किसको? अल्लाह भला करे बिलाल राशिद को. बिलाल राशिद मेरा भतीजा है. देखो अब टाइपिंग करना बंद कर दो तो ध्यान से सुनना. So, मैंने जो है वो ट्राइबल प्रोटेक्शन अनाउंस करनी है बिलाल राशिद के लिए. बिलाल राशिद मेरा भतीजा है. तो मैंने क्या किया, मैंने तमाम ट्राइब्स को जो कि कुरैश या जितने भी अरबी के ट्राइब्स हैं, मैंने तमाम ट्राइब्स को इनवाइट किया एक दावत पे. उस दावत पे इनवाइट करके मैंने उनको चाय पिलाई, उनको खाना खिलाया. मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? ये मेरा भतीजा है बिलाल राशिद, मैं हूँ बनू मखजूम का खुर्रम. अच्छा, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी आगे, वरना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वरना मैं जब उसको स्टोरी को कनेक्ट करूंगा तो यू गाइस आर गोना बी मैडली कंफ्यूज. मैं बनू मखजूम का खुर्रम हूं और मैं अपने भतीजे बिलाल राशिद को ट्राइबल प्रोटेक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बात कर ले. तमाम ट्राइबल चीफ्स के सामने अनाउंसमेंट हो गई
और मैंने ये बता दी कि अब अगर किसी ने मेरे भतीजे को नुकसान पहुंचाया या इसकी असैसिनेशन हुई तो फिर सारे कबीले मिलके मेरे साथ उस शख्स की पिटाई करेंगे जो द पर्सन हू इज गोइंग टू विक्टिमाइज माय नेफ्यू। तो मैंने जब ये अनाउंसमेंट की और मैंने जो है वो बिलाल राशिद साहब के लिए जो है यानी बिल्लू भाई के लिए जो मैंने अनाउंसमेंट कर दी है तो तमाम ट्राइबल चीफ ने ये बात सुनी। अब ये ट्राइबल चीफ में उमैया भी था, हाशिम भी था, उसमें जुम्मा बनु जुम्मा भी था, बनु असद, बनु सुनैह, बनु ज़ैर, सारे ट्राइब्स ने बात सुन ली। इन तमाम ट्राइब्स ने जाके अपने अपने ट्राइबल चीफ्स ने अपने अपने ट्राइब के इंडिविजुअल्स को इकट्ठा किया और बोला कि देखो बात सुनो, बनु मखज़ूम के सरखुर्रम है, उन्होंने अपने भतीजे बिलाल राशिद को ट्राइबल प्रोटेक्शन में ले लिया है और हम सब ने इस बात को यूनानिमसली एग्री कर लिया। अब खबरदार किसी ने बिलाल राशिद को किसी किस्म की भी ठेस पहुंचाई और अगर बिलाल राशिद को कोई नुकसान हुआ तो सारे कबीले मिलके हमें और हमारे कबीले को बर्बाद कर देंगे। सो नाउ व्हेन एवरी ट्राइब न्यू दैट कि द पर्सन इज अंडर ट्राइबल प्रोटेक्शन तो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। हो ये रहा था कि कुरैश में अक्सर ना वीआईपीस की किलिंग की वजह से जंगें हो जाती थी, जैसे कि कुरैश ने पहले तो हुलुल फुज़ूल जैसी ट्रीटी साइन कर ली कि यार हमें बार बार जंगें नहीं करनी, 30-40 साल जंग हो रही थी। यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि एक शख्स का ऊंट एक खेत से दूसरे खेत पे चला गया, 40 साल इस बात पे बैटल होती रही कि तुम्हारा ऊंट मेरे खेत पे आया कैसे। कुरैश वर फैड अप एंड दे न्यू दैट कि अगर उनमें एक बार ट्राइबल क्लैश शुरू हो तो ये डेकेड्स तक चलता है। कुरैश ने उस सिस्टम को रोकने के लिए पहले तो ट्रीटी साइन की, अब कुरैश एक सिस्टम लाया ट्राइबल सिक्योरिटी सिस्टम। हो यह वीआईपीस का मर्डर हो रहा है, जैसे एक बंदा सीरिया जा रहा था, उसने जनाब जो है वो उसको कोई शख्स मिला और ये बंदा बड़ा वीआईपी था, ये किसी ट्राइब का चीफ था, सामने रास्ते में कोई शख्स मिला उसकी इससे अनबन हो गई और इस लड़ाई में इस बंदे ने वीआईपी शख्स को मार दिया ट्राइबल चीफ को। अब जब ट्राइबल चीफ मरा तो बाद में पता चला भाई ये तो बड़ा खास आदमी था, तो पूरा कबीला अपने ट्राइबल चीफ का जो है बदला लेने के लिए आ गया। वो जो बंदा वो भी अपने अलायंस लेके आ गया, जंग शुरू हो गई, डेकेड्स तक कंटिन्यूड है। तो अब जंगें रुक गई हैं लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से वीआईपीस जब मर जाते हैं तो उनकी वजह से या कोई ना कोई शख्स, अब कोई किसी का मर्डर कर रहा है उसे क्या पता इसका बाप कौन है, इसका जानने वाला कौन है, वो नहीं जब कोई लड़ रहा तो बोलता है तो जानते मेरा बाप कौन है, जानते मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है। तो यहाँ पर कोई बंदा मर्डर हो रहा है वो थोड़ी तारुफ कराएगा अपना। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करना था, कुरैश को ट्राइबल क्लैशेस खत्म करने थे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया ट्राइबल सिक्योरिटी सिस्टम कि भाई पहले वीआईपीस को कर दो टैग, वीआईपीस टैग हो गए, मैं इसको बोलता हूँ वीआईपीस की टैगिंग सिस्टम, वीआईपीस टैग हो गए, सबको बता दिया भाईजान ये वीआईपी है, ये टैग्ड है, इसको छेड़ा तो तुम्हारे और तुम्हारे कबीले की मौत है। अब इसको एक स्टेप आगे लेके जाओ ताकि हमेशा के लिए ट्राइबल प्रोटेक्शन सिस्टम आपको तंग ना करे। हुआ ये कि मैंने बिलाल राशिद को जब ट्राइबल प्रोटेक्शन दी तो हुआ बाद में ये कि बनो, मैं एक ट्राइब की मिसाल ले लेता हूं, यहां पर बनो उमैया का एक लड़का है, उसका नाम है फरान। बनो उमैया के फरान को मस्ती सूझी, फरान ने मेरे भतीजे बिलाल का मर्डर कर दिया। अब ये ट्राइबल प्रोटेक्टेड बंदे का जब मर्डर हुआ इसके बाद का सीन बड़ा डेवेस्टेटिंग है, जिसकी वजह से कोई भी ट्राइबल प्रोटेक्टेड बंदे को मारने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। तो मैं फरान से बदला नहीं लूंगा, मैं हूं ना, मैंने ट्राइबल प्रोटेक्शन दी थी, मैं जो है बिलाल का जो है चाचा हूं और मैंने बनु मखज़ूम का सरदार खुर्रम हुसैन ने फरान से बदला नहीं लेना। मैंने क्या करना है, मैंने एक दावत रखनी, उस दावत में आप तमाम ट्राइबल चीफ को मैं बुलाऊंगा, मैं कहूँ जी सलाम अलैकुम, चाय बाद में, खाना बाद में, पहले मुद्दे की बात। I announce tribal protection for my bhatija Bilal in front of all of you. और ये फरान और उसके कबीले ने उसको ब्रीच किया है, अब आप सब मिलके मेरी मदद करें फरान के खिलाफ। इसके बाद क्योंकि ट्राइबल सिस्टम पूरे कुरैश का बनाया हुआ था, तमाम ट्राइब्स मिलके, शायद फरान का ट्राइब भी मेरी साइड पे आ जाए, सब लोग मिलके फरान को या फरान के ट्राइब को जब मारेंगे, when all the tribes are going to turn against one tribe or an individual of one tribe, तो ना बचेगा वो इंडिविजुअल, ना बचेगा वो ट्राइब्स। एवरीबॉडी न्यू दैट अगर हमने ट्राइबली प्रोटेक्टेड बंदे को छेड़ा ना, ये हमारी और हमारे कबीले की सफा हस्ती से मिट जाने वाली मौत है। तो कोई शख्स भी ट्राइबल प्रोटेक्शन को ब्रीच नहीं करता था। इसमें कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि सर खुर्रम मान ली आपकी बात, अबू तालिब ने प्रॉफिट को ट्राइबल प्रोटेक्शन दी हुई थी, प्रॉफिट पीज़ की असैसिनेशन पॉसिबल नहीं थी, एक्सेप्टेड सर, लेकिन प्रॉफिट को फिर भी टॉर्चर क्यों किया जा रहा? अब अगर प्रॉफिट ट्राइबली प्रोटेक्टेड हैं, इतने खास हैं, तो प्रॉफिट को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, प्रॉफिट प्रोसिक्यूट क्यों रहे? एक्चुअली ये सवाल जो है वो कल की क्लास में किसी बच्चे ने पूछा होता। तो पहली बात तो ये, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असैसिनेशन तो नहीं हो रही ना, लेकिन प्रॉफिट को ये टीज कर रहे हैं, प्रॉफिट को ये अजॉल्ट और वर्बली या फिजिकली अजॉल्ट कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है तो बात को समझना। जो लोग प्रॉफिट इस ट्राइबल प्रोटेक्शन के बावजूद प्रॉफिट प्रोसिक्यूट क्यों हुए, उसकी वजह ये
कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो प्रोसिक्यूट कर रहे थे वो कौन लोग थे, वो ट्राइब के चीफ्स थे। तो चीफ्स अपनी पावर को अब मिसयूज कर रहे हैं, अपनी पावर को अब्यूज कर रहे हैं और वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नुकसान डाल रहे हैं। तो वो जो चीफ्स हैं जिन लोगों ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो अबू प्रॉफिट मोहम्मद अबू तालिब जो है वो ट्राइबल प्रोटेक्शन के लिए तमाम चीफ से मदद मांगेंगे, और तमाम चीफ से मदद जब मांगेंगे तो ये वही जो चीफ्स हैं जिनसे मदद मांगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अबू जहल ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पीटा, एक मिसाल ले लो, एक एग्जाम्पल है। अबू जहल व्हेन ही केम टू नो प्रॉफिट वाज टीचिंग इस्लाम, अबू जहल हैड गॉन टू प्रॉफिट, ही थ्रू डस्ट टुवर्ड्स प्रॉफिट्स फेस एंड ही आल्सो हिट अ पेबल ऑन प्रॉफिट बिलन्स फोरहेड, और नबी इस्लाम का सर भी फट गया उससे। सो अब अबू तालिब को जब ये बात पता चली तो अबू तालिब एक ट्राइब के चीफ है, ट्राइबल प्रोटेक्शन वाले जो आपके भतीजे को नुकसान हुआ, तो अबू तालिब ने तमाम चीफ्स को बुलाया। जब तमाम चीफ्स को बुलाएंगे, एक हाइपोथेटिकल बात है, ऐसा हुआ नहीं है, तमाम चीफ्स को बुला के अबू तालिब ने कहा कि जी अब मैंने ट्राइबल प्रोटेक्शन दी मेरे भतीजे को और अबू जहल ने मेरे भतीजे को पीटा, तो आप सब मेरी मदद करें। अब अबू जहल ट्राइब का चीफ है, बहुत सारे लोग उसके अलाए हैं और सारे के सारे अबू जहल का साथ इसलिए देंगे क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लम की आइडियोलॉजी तमाम ट्राइबल चीफ की आइडियोलॉजी से कॉन्ट्रडिक्ट करती है। तो अबू तालिब भी बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली प्रॉफिट को सेव कर रहे हैं कि चले हमें कुछ चीजें नजरअंदाज करनी पड़ रही है, प्रॉफिट टीज हो रहे हैं और प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, लेकिन हर बात पे मुद्दे पे बार बार जो है कुरैश को बुलाया जाएगा तो कुरैश मदद नहीं कर पाएंगे, तो अबू तालिब उनको कन्फ्रंट नहीं कर रहे। अगर अबू तालिब तमाम चीज को कन्फ्रंट करें तो चीफ उल्टा अबू तालिब से कहेंगे आपका भतीजा हमारे बाप दादाओं के मजहब को बुरा बोलता है, हम आपके भतीजे, आप अभी अपना भतीजा हमारे हवाले करें। तो इस तरह से कन्फ्रंटेशन करने से तमाम ट्राइब्स अबू तालिब के खिलाफ हो सकते हैं। तो अबू तालिब को अपनी सीनियोरिटी मेंटेन करनी है, अपने चीफडम मेंटेन करना है और यूं एक शील्ड बने रहना है पावरफुल ताकि प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहे, और एक खौफ मेंटेन रखना है कि कोई किसी भी लेवल पे जाके प्रॉफिट की असैसिनेशन के बारे में ना सोच सके। सो इस पूरी सूरत हाल में हजरत अबू तालिब वॉज बीइंग कॉशियस और कुछ चीजों को जान के नजरअंदाज करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर छोटी छोटी बातों पे चीफ्स को बुलाया जाएगा तो हो सकता है वो तमाम चीफ्स अबू तालिब या प्रॉफिट पीगम के ट्राइब बनवासी के खिलाफ हो जाए। सो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरैश का प्लान ये था कि दे वांटेड टू किल हजरत मोहम्मद पीस ऑन द दे कुड नॉट, सो देयर दे मेड अ डिसीजन दैट इंस्टेड ऑफ किलिंग प्रॉफिट पीस अपॉन दे आर गोइंग टू डू व्हाट, दे आर गोइंग टू अपोज एंड प्रोसिक्यूट प्रॉफिट पीस अपॉन हिम यूजिंग देयर पावर एंड कैपेसिटी। पहला फैसला हो गया। एक और मसला है, याद रहे वरना आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी इस टॉपिक पे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गेस क्या है, व्हाट इज योर आंसर इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, प्रॉफिट वाज मोर पॉपुलर अमंग द वेल्दी पीपल या अमंग स्लेव्स, ज्यादा मशहूर किस में थे प्रॉफिट, वेल्दी पीपल या कॉमन मैन, ज्यादा मशहूर कॉमन मैन में थे। इसकी वजह क्या थी, प्रॉफिट बात किस बात की करते थे, इक्वालिटी की। सो हुजूर को जो पावरफुल पोस्ट पे थे जिनकी ऑलरेडी जो इनसिक्योर फील करते थे उनमें नहीं, प्रॉफिट कॉमन मैन में ज्यादा मशहूर थे। नाउ द पीपल ऑफ कुरैश में चीफ्स में डिसाइड हो गया कि हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद को अपोज करेंगे, लेकिन किस तरह से, प्रॉफिट इज सो इन्फ्लुएंशियल, व्हेन प्रॉफिट स्पीक टू द पीपल, सो प्रॉफिट इज सो इन्फ्लुएंशियल, हिज स्पीच इज सो कन्विंसिंग दैट पीपल इमीडिएटली दे डिसाइड टू लीड द रिलीजन ऑफ देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। सो कैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉमन मैन से दूर करें, दो लोगों से प्रॉफिट को दूर करना है। एक मक्का के एक कॉमन मैन है जिनमें आपकी स्लेव क्लास तो आती है लेकिन आम शहरी, लेकिन दूसरा पिलग्रिम से प्रॉफिट को दूर करना है। याद रहे मक्काबा में, क्योंकि दीन इब्राहिमी के फॉलोअर्स हैं और पूरी दुनिया अरबिया से आइडल वर्शिपर जो हजरत इब्राहिम को भी मानते हैं, आइडल वर्शिपिंग भी करते हैं, वो यहाँ पर उमरा हज करने के लिए आते हैं। तो जब भी पिलग्रिम्स आ रहे हैं उमरा या हज के लिए, दीस पिलग्रिम्स व्हेनेवर दे आर दे वर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद प्रॉफिट, दे वर सो कन्विंस्ड कि हुजूर अकरम जो बातें करते हैं वो तो दीन इब्राहिमी जैसी है। सो नाउ द पीपल ऑफ कुरैश, कि उनको लगता था उनकी बेइज्जती होगी कि यहाँ पर एक शख्स मक्का में ही जो है अल्लाह और आइडल्स की बुराई कर रहा है, अल्लाह की तारीफ कर रहा है, तो जब ये पिलग्रिम्स जाके अपने एरियाज में बताएंगे कुरैश आर नॉट वेरी गुड कस्टोडियंस ऑफ काबा और आइडल्स, क्योंकि कुरैश के होते हुए वहीं पर कोई आइडल्स की बुराइयां कर रहा है और कुरैश कुछ नहीं कर पा रहे, तो कुरैश ने कुछ चाहा कि हम किसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉमन मैन से और पिलग्रिम्स से डिस्कनेक्ट कर दें। So now, to distance Prophet Peter from a common man and from the pilgrims who are visiting the city of Makkah every now and then, and to put them away from Nabi al-Islam, the people of Quraysh, they agreed that they are going to spread a rumor in the city of Makkah that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a magician. And Prophet peace upon him Prophet reads magic spells, and his magic spells are so influential that when people listen to Nabi al-Islam, they immediately betray the religion of their fathers and forefathers. So, pehla faisla, we can't kill Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so let's just torture him. Na, taki Prophet ko rok ke, ya Prophet ko jo apne pishan se hataya ja sake. Dusra,
to put Prophet peace be upon him away from the common man and from the pilgrims coming to Makkah, lest there spread a rumor that he is a person who hypnotizes people. He is a person who reads magic spells and he casts magic on people so that the people are going to be afraid of Prophet peace upon him. Us daur ke log नबियों से मोहब्बत किया करते थे लेकिन जादूगरों से डरा करते थे. तो प्रॉफिट को आम आदमी और हाजियों से दूर करने के लिए अनाउंस हुआ कि दैट रूमर वी आर गोना स्प्रेड दैट रूमर दैट मोहम्मद वाज अ मैजिशियन. अब ये हो गए दो फैसले, नॉट किलिंग प्रॉफिट, प्रोसिक्यूटिंग हिम एंड टू डिस्टेंस हिम फ्रॉम द कॉमन मैन, वी आर स्प्रेडिंग अ रूमर दैट ही इज अ मैजिशियन. तीसरा फैसला, कौन ये टॉर्चर शुरू करेगा. एंड टू बिगिन टॉर्चर्स द पर्सन हु मूव फॉरवर्ड वाज द नेबर एंड द अंकल ऑफ प्रॉफिट नेम अबुल्लाह. So Abu Lahab began these tortures. So Prophet ko jo hai wo sabse pehle to physical torture nahi karenge, pehle Prophet pe mental pressure dalenge, kyunki insaan apne aap pe majboor na ho to apni betiyon ke case mein majboor hota hai. So Abu Lahab ordered his two sons Utba and Utayba to divorce Prophet's two daughters named Hazrat Ruqayya and Hazrat Umm Kulsoom. Nabi Alaihi Salam ko paigham bheja gaya ki abhi humne aapki betiyon pe hamla kiya hai, agar aap abhi na ruke to mamla aapke gharane aur eventually aapke kabile ke baad aap par aayega. तो हुजूर पे इमीडिएटली वो प्रेशर डाला गया, जिसमें आपने देखा है कि कितने मजबूत बाप होते हैं जो कि अपनी बेटियों के केस में आ गए, क्योंकि इमोशनल मामला है और बाप बेटियों के नसीब का मामला है, मजबूर हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पर बेटियों ने बड़ा साथ दिया. तब्बत यदा अबी लहबी व तब सूरह लहब जब आई थी, जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील का जिक्र था, जो कि हजरत रुकैया हजरत उम्मे कुलसूम की जो है फादर इन लॉ और मदर इन लॉ लगते थे. तो सूरह लहब के नाजिल होने के बाद हजरत रुकैया घर ही छोड़ के आ गई कि जब अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी है कि मेरे सास और मेरा ससुर दोनों के दोनों जो हैं वो जहन्नुमी हैं, तो मुझे उस घराने में रहना ही नहीं है. तो बेटियां भी बड़ी मजबूत रही इस मामले में, वरना शायद नबी इस्लाम के लिए चीजें और कठिन हो सकती थी. सो अबू लहब ऑर्डर्ड हिज सन्स उतबा और उतैबा टू डिवोर्स प्रॉफिट्स टू डॉटर्स हजरत रुकैया हजरत उम्मे कुलसूम. इसके बाद कुरैश ने अगले 10 साल तक प्रॉफिट को हर तरह से असॉल्ट किया. दे टॉर्चर्ड प्रॉफिट वर्बली, मेंटली, फिजिकली, मॉरली, सोशली एंड फाइनेंशियली. इसके बारे में एग्जाम्पल्स दे देके हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा आंसर प्रोसीड कर जाएगा. तो मैं आपको पैराग्राफ नंबर 2 के पॉइंट से भेजा हूँ, जल्दी टाइप कीजिएगा, फिर उसके बाद एग्जांपल्स हमारी जल्दी जल्दी हो जाएंगे. लिखे जी P2, पैराग्राफ नंबर 2. द कुरैश वर रिलक्टेंट टू किल प्रॉफिट. द कुरैश वर रिलक्टेंट टू किल प्रॉफिट ड्यू टू tribal protection for him by his uncle. The Quraysh were reluctant to kill Prophet peace upon him due to tribal protection for him by his uncle. Therefore, they decided to oppose and persecute. Therefore, decided to oppose and persecute Prophet peace upon him using their power and status. Therefore, they decided to oppose and persecute Prophet peace upon him using their power and status. To distance Prophet peace upon him from common man, from common man and pilgrims visiting Makkah, they agreed on spreading a rumor that Muhammad, peace be upon him, was a magician. To distance Prophet, peace be upon him, from the common man, and pilgrims visiting Makkah, they agreed on spreading a rumor that Muhammad, peace be upon him, was a magician. That Muhammad Pizan was a magician. To begin tortures, Abu Lahab ordered his sons Utba and Utayba to divorce Prophet peace upon his daughters. Hazrat Ruqayya and Hazrat Umm Kulsoom. To begin tortures, Abu Lahab ordered his sons Utba and Utayba to divorce Prophet peace upon his daughters Hazrat Ruqayya and Hazrat Umm Kulsoom.
एटॉमिकल सोल. In the next 10 years, the Quraysh opposed and persecuted Prophet peace upon him in every possible way. The Quraysh opposed and persecuted Prophet peace on him in every possible way. They assaulted him verbally, mentally, physically, morally, socially, and financially. They assaulted Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam verbally, mentally, physically, morally, socially, and financially. बच्चों वर्बली की हेडिंग आ जाएगी और पॉइंट नंबर 6 को बॉक्स में डाल दीजिएगा. व्हेन यू आर डन प्लीज टाइप डन. 6th पॉइंट को बॉक्स में डालना है क्योंकि यू गाइस आर नॉट गोइंग टू मिस दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अदीन खान मदीना जाने से पहले प्रॉफिट की असैसिनेशन होने वाली थी क्योंकि अभी तो मैंने पढ़ाया कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के पास ट्राइबल प्रोटेक्शन जो थी वो अबू तालिब की मिस हो चुकी थी. अबू लहब की ट्राइबल प्रोटेक्शन यूजलेस थी. फिर 619 AD में ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम को अलमुतीन नामी शख्स ने ट्राइबल प्रोटेक्शन दी थी. 622 AD में अलमुतीन नामी शख्स जो थे उनका इंतकाल हो गया एंड द डे प्रॉफिट लॉस्ट ट्राइबल प्रोटेक्शन उसके कुछ दिनों बाद कुरैश ने प्रॉफिट की असैसिनेशन प्लान की. तो दे व्हेन दे प्लान टू किल प्रॉफिट पीस अपॉन हिम उस दिन हुजूर इस्लाम के पास ट्राइबल प्रोटेक्शन नहीं थी. अबू तालिब के बाद प्रोटेक्शन अबू लहब ने दी जो यूजलेस थी. फिर अलमुतीन ने प्रोटेक्शन दी. जैसे अलमुतीन का अबू तालिब भी फौत हो गए अलमुतीन भी फौत हो गए और अलमुतीन अबू तालिब जब दोनों फौत हो गए कोई प्रोटेक्शन नहीं थी तो असैसिनेशन का प्लान बना. ये आगे पढ़ाऊंगा ना अभी तो मैं प्रोसिक्यूशन पढ़ाऊंगा. 6th पॉइंट को बॉक्स में डालना है. 6th पॉइंट को बॉक्स में डाल दीजिएगा क्योंकि आप ये 6th पॉइंट जो है वो लाजमी रट्टा मारेंगे क्योंकि आप जब भी आंसर लिखेंगे आपको इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और ये पॉइंट बेइंतहा लाजमी. और यही पॉइंट आगे एक्सप्लेन करते करते जो है वो कहानी गुजर जाएगी. तो जब 6th पॉइंट आपका हो जाए वर्बली की हेडिंग दे दें. वर्बली की हेडिंग दें. वर्बली करूं स्टार्ट जल्दी बताओ स्टार्ट करूं. ठीक है मैं वेट कर रहा हूं जल्दी शाबाश कर लीजिए. मैं वेट करता हूं थोड़ी देर. मायरा बाजी आपका काम हो गया है. बाकी लोग तो इंतजार बाकी लोग तो कर रहे हैं ना. वी नीड टू वेट. वी नीड टू प्रैक्टिस पेशेंस एंड परसिवरेंस. जी साद इफ यू वांट टू हाइलाइट और यू वांट टू मेक इन एनी वे बॉक्स बनाए या इनवर्टेड कॉमास बनाए जैसे भी उसको हाईलाइट कर लें कि ये सर खुरम ने कहा था ये पॉइंट का रट्टा मारना. चले जी डन 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 आना शुरू हो गए इसका मतलब कि आपको शुरुआत कर दें. चलो जब सब कर रहे हैं मैं आगे का लिखूं. करें जी बिस्मिल्लाह जज़ाकअल्लाह सर. सो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं व्हेन ही वाज स्टैंडिंग इन द प्लेस कॉल्ड माउंट सुफा एसानी ऑफ माउंट सुफा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्ट देम अ क्वेश्चन दैट इफ आई लेट यू नो द आर्मी इज गोना अटैक यू वुड यू बिलीव इन मी और नॉट. दे ऑल सेड इन वन वॉइस मोहम्मद यू हैव बीन सादिक यू हैव बीन अमीन व्हाटएवर यू से वी आर गोइंग टू बिलीव इन दैट वी हैव नेवर विटनेस यू लाइंग. सो दोज़ पीपल हु यूज्ड टू कॉल हज़रत मोहम्मद पीस वन अ ट्रूथफुल पर्सन अल सादिक एंड अल अमीन द मोमेंट प्रॉफिट शेयर्ड द ट्रुथ ऑफ द ट्रुथ्स विद देम
these people, they verbally assaulted Prophet Bijan by calling him Al-Qassab, Mazallah, Nauz Billah, God forbid. They were calling Prophet Bijan the liar. But when Prophet Muhammad ﷺ said, Sachai share ki khuda ke baare mein, the idols are false and they are the pieces of stones and bolts, and the true God is only the personality of Allah and He is the Rasul of Allah. So they called Hazrat Muhammad peace be upon him a liar. Likhte raho saath saath, they called him a liar. The Prophet Muhammad shared the events after life with them, and Prophet told them that there is a bigger life after death, and we will be spending a lot of life in Qabr, which is called Alam-e Barzakh, and then after Alam-e Barzakh, we are going to spend an eternal life, and that life is based on our worshipping, that who do we worship, we are going to worship multiple gods or one god. So Prophet ne afterlife ki jannat ki baat ki aur kaha jannat se un logon ke liye jo shirk na karein, jo idol worshipping na karein. So these people, mazallah, mazallah, God forbid, they call him a mad person. So pehle Prophet pe aitmad karte the ki yehi wo shakhs hain jin pe har baat pe aitmad hai. Now instead of trusting Prophet's wisdom, now us bin mazallah, God forbid, they called him a madman. So they called him a mad person. So one day Abu Jahl and a Jew, they came to Prophet Peace be upon him. They said that, okay, fine Muhammad, if you are truly the Rasul of Allah, then show us a sign, show us a miracle. And if you show us a sign and a miracle that you are truly the Rasul of Allah, then we will immediately start believing that you are the Prophet, and we will witness whatever you are going to ask us to witness and whatever you are going to ask us to beat. So they challenge Prophet that if you are truly the Rasul of Allah, break moon into two pieces. And if you do that, we will start believing that you are a true apostle. Accepting the challenge by the assistance of Allah, having the instructions from Allah, Prophet peace be upon him pointed with his forefinger towards the moon. And the moment Prophet did that, Prophet peace be upon him, ye karne se Allah ki amar Allah ke hukum se, by the will of Allah, the moon got broken into two pieces. Jiske baare mein surah Qamar mein likha hai, iqtarabat as-sa'ati wa shaqq al-qamar. When the moon was broken in two pieces, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne jab unko mauza dikha diya, over there a Jew converted, accepting Islam, because he was like, this is a clear sign, like Hazrat Musa alaihi salam used to have signs. Lekin Abu Jahl ne jaise hi Prophet peace be upon him sign dekha, to he rejected Nabi Islam by saying that this is nothing but an evident magic. So jab jab Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabuwat ki sachi nishaniya, miracles pesh karte the, they called Hazrat Muhammad peace upon him a magician. They called him a magician. Phir Prophet peace upon him jo hai unse nabuwat ki nishani poochte the, jab kehte the ki aapki nabuwat ki nishani kya hai, to Prophet ayat padh ke sunate the. Huzur ne jab bhi ayatein padhi to ye Prophet peace upon him kehte hain ayatein nahi, ye shayari hai. Pehli baat to ye ki unka claim hi wrong hai. Prophet peace upon him could not do poetry because Prophet was an ummi, Prophet ne koi formal education receive nahi ki thi. Lekin I would like to share a statement made by Hinda, who happened to be the wife of Abu Sufyan and the daughter of Utba, jo ki aage bada uska detail se ek event bhi aayega. So Hinda made one day, in the days of her idol worshipping, she made a pathetic statement about Nabi Islam. And I would like to share that statement with you guys. So one day when Hinda came to know about Prophet peace upon his reach to the people and his influence on the people, Hinda once said that, what kind of religion Muhammad has been preaching? That Muhammad peace upon him spent some time inside the cave called the Cave of Fira, and there he produced some amazing poetry. And when he came down from the mount of that mount of Noor and he shared that poetry with the people, the poetry became so influential that people started betraying the religion of their fathers and forefathers. So Hinda ka kehna ye tha ki Huzur Islam jo bhi share karte hain, jisse log influence ho jate hain, wo cheez jo hai wo basically jo hai wo Prophet peace be upon him share kar rahe hain, wo shayari hai. Aur ye taunt Prophet ko Hinda ke alawa bahut sare logon ne jo hai wo diya. So Huzur Islam ki nabuwat ki sabse badi nishani mein se ek nishani ek aapki wahi revelation thi. उसमें नबी इस्लाम को कहा गया अ पोएट. सो दे कॉल्ड हिम अ पोएट. प्रॉफिट की एक पड़ोसन थी और वो प्रॉफिट भी उनकी चची भी थी, इसका नाम उम्मे जमील था. उम्मे जमील जो है ये प्रॉफिट के रास्ते में कांटे बिछाती थी, इसकी स्टोरी मैं आपको आगे सुना रहा हूं. लेकिन उम्मे जमील जो है ये प्रॉफिट पीस अपॉन इनको जहां देखती थी, कभी छत से कभी पड़ोस से खड़े हो गए, प्रॉफिट जहां से गुजर रहे प्रॉफिट को गालियां देती थी. So a lot of people of Quraysh, they verbally abuse Hazrat Muhammad peace upon him.
जिसमें अगर आपने स्पेसिफिक एग्जाम्पल देनी है तो एग्जाम्पल उम्मे जमील की आएगी, जिसका नाम मैं थोड़ी देर बाद आपको लिखाऊंगा। सो दे वर्बली अब्यूज्ड हिम ऑन डिफरेंट ओकेजंस। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेंटल टॉर्चर्स भी हुए, मेंटल टॉर्चर्स की बहुत सारी मिसालें बन सकती हैं। तो एक बात बताइएगा, मैं जो हूं अब फॉर एग्जांपल के किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया, तो ये तो हो गया फिजिकल टॉर्चर और ऑब्वियसली समबडी इज गोइंग टू असॉल्ट मी फिजिकली लाइक दैट। लेकिन एक बात आपने जल्दी से मुझे बतानी है, अगर किसी ने मेरे ही सामने मेरे नन्हे मुन्ने काके रोहान को मारा, या किसी ने अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड मेरे ही सामने मेरे वालिद साहब को मारा, तो ये मेरे लिए फिजिकल टॉर्चर होगा या मेंटल टॉर्चर? मेंटल टॉर्चर होगा ना। तो जो टॉर्चर्स हो रहे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स पे, वो प्रॉफिट पीस ऑन ना उनको बचा पा रहे हैं, ना प्रॉफिट उनकी मदद कर पा रहे हैं, और बहुत सारे फॉलोअर्स पे टॉर्चर ऐसे हुए कि उनकी जाने चली गई, तो ये प्रॉफिट के लिए डिस्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह बनी। तो टॉर्चर्स ऑन हिज फॉलोअर्स जो था वो आपके लिए कुरैश का एक मेंटल प्रेशर था। या इसमें आप डिवोर्स ऑन प्रॉफिट्स डॉटर्स जो ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं वो भी यहाँ पर आ गई, तो टॉर्चर्स ऑन हिज फॉलोअर्स आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ऐसे करके निशान बना लेना ताकि पता चले ये अलग अलग है। सो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन डाइड इन इन्फेंसी, हिज नेम वाज कासिम, लेकिन एट दैट टाइम प्रॉफिट डिड नॉट अनाउंस हिज अपोस्टलशिप। तो उस वक्त तो कुरैश ने प्रॉफिट के उनको कंसोल भी किया, प्रॉफिट का एक लॉस हुआ। अच्छा, प्रॉफिट की बेटे पैदा होते ही फौत नहीं हो रहे थे? आपका जब 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 औलाद से की मोहब्बत की प्रोसेस से आप गुजरेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितनी बड़ी नेमत है। और अभी जैसे मेरी क्लास खत्म हुई, तो क्लास खत्म होने के फौरन बाद जो है वो कोशिश यही होगी कि नमाज वगैरह से फारिग होकर जब भी नीचे जाऊंगा सबसे पहले रोहान को और आयजा को प्यार करूंगा, जो मेरे बच्चे हैं। तो ये अलग ही कैपेसिटी है, दो घंटे के बाद भी इन बच्चों को मिलकर चूमने चाटने का दिल करता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो बच्चे ना, बच्चा जब नहीं होते, जब होने वाला होता तो प्यार हो जाता, बच्चा पैदा होते ही जो नौमौलूद है, इन्फेंट है, 2 महीने 3 महीने का, आपको बाबा बोलने की कोशिश कर रहा है, बाबा को पहचान रहे हैं, उनकी खुशबू पहचान रहे हैं, तो उस वक्त बच्चे से मोहब्बत और बढ़ जाती है। तो कासिम पैदा होकर कुछ महीनों बाद फौत हुए, प्रॉफिट ऑलरेडी इमोशनल ट्रॉमा में थे। फिर नबी इस्लाम के दूसरे साहबजादे अब्दुल्ला, हजरत ज़ैनब के बाद अब्दुल्ला पैदा हुए, अब्दुल्ला जो है वो भी कुछ महीनों के बाद फौत हो गए। तो एक इमोशनल ट्रॉमा है नबी इस्लाम का, उस इमोशनल ट्रॉमा को मेंटल डिस्ट्रेस एंग्जाइटी बनाए किस तरह से, प्रॉफिट पीस ऑन के पड़ोस पे अबू लहब रहता है। जिस रात अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, यानी कि ही कुड नॉट सर्वाइव एंड ही डाइड इन इन्फेंसी अब्दुल्ला, so Abu Lahab had gone to the people of Quraysh in a jubilant manner, in a very happy manner. Abu Lahab announced this news to the people of Quraysh by saying that Batira Muhammadun al-Layl, this night Muhammad has become childless, and he was actually being very happy. And the people were so mean that on that kind of loss of Nabi al-Islam, they were celebrating like Abu Lahab and Abu Jahl. तो मेरे किसी प्यारे का इंतकाल हो, आप मुझे कंसोल करें, थैंक यू सो मच, आप मुझे इग्नोर करें तो आई विल बी लाइक ओके फाइन यू वी मस्ट बी बिजी, लेकिन आप उस पे सेलिब्रेट करें तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट गिव मी अ लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा। सो यस, प्रॉफिट वाज गोइंग थ्रू एन इमोशनल ट्रॉमा, यस व्हेन दे कॉल्ड हिम अफ्टर इट वाज अ वर्बल असॉल्ट, बट दैट वर्बल असॉल्ट क्रिएटेड मोर एंग्जाइटी मोर डिस्ट्रेस। तो मैं इसको मेंटल ट्रॉमा और मैं इसको मेंटल डिस्ट्रेस पे लेके जाऊंगा। तो लिखें दे कॉल्ड हिम अफ्टर, ये वर्बल में भी जा सकता है और ये मेंटल में जा सकता है। दैट इज अ मैन विथ नो मेल ऑफस्प्रिंग। अभी अब्तर की तफसील तो हम बाद में आपको पढ़ाएंगे। दैट इज अ मैन विथ नो मेल ऑफस्प्रिंग। फिजिकली की हेडिंग आ गई सर, फिजिकली। तो फिजिकल टॉर्चर्स जो हैं वो मैं आपको लिख लिख के भेजता रहूंगा, या आप मेरे साथ साथ लिखते रहेगा। सो एट मल्टीपल ओकेजंस इट हैपेंड दैट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्शिपिंग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ काबा एंड फिल्थ वाज थ्रोन बिहाइंड हिज बैक। इट वाज डन बाय अबू लहब, इट वाज डन बाय अबू जहल। लेकिन जो दर्दीदी दास्तान है उनमें से एक दास्तान ये भी है कि बेनेवल प्रॉफिट यूज्ड टू गो आउट एंड ही वांटेड टू प्रीच इस्लाम।
Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was assaulted by and he was insulted by this old woman. And that old lady, she used to pelt rubbish on Hazrat Muhammad, peace upon him. Ek din bar chala gaya ji, usne kachra phenkna band kar diya. Prophet was patient, Prophet was practicing perseverance. Bimar hui to Prophet showed concern, Prophet was considerate, and then Prophet came to know that she had fallen sick. Nabi Islam had visited her house. Prophet jab usse milne ke liye gaya, to she was so embarrassed. Ke main pe kachra phenkti hu aur ye mujhse milne ke liye aa rahe. So not only Prophet forgave her, Prophet peace upon unki ayadat karne ke baad unko motivate bhi kiya ki aap jald durust ho jaye. So unhone jab Prophet se maafi bhi mangi, Islam to kabul kiya hi kiya. Prophet beyond also forgave her. So mercy and forgiveness ki to misal banti banti hai, lekin ye jo pehle ke events hai jisme she was bothering Nabi Islam. So that is the example of, you know, physical torture. So dekho, an old woman pelted rubbish on him. हजरत मोहम्मद साहब की पड़ोसन थी उम्मे जमील, और उम्मे जमील जो है उसको मालूम है कि हुजूर इस्लाम इस टाइम पर निकलेंगे प्रीचिंग के लिए. सो उम्मे जमील यूज्ड टू डू व्हाट, शी यूज्ड टू स्प्रेड थॉर्न्स ऑन नबी इस्लाम्स पे. तो कभी प्रॉफिट के दरवाजे पे जो है वो जो झाड़ियां या थॉर्नी बुशेज रख के चली जाएगी, और कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो रास्ते में कांटे बिछाएगी. अब कभी भी ना पाओं का जख्म जल्दी नहीं भरता है. प्रॉफिट पत्ती सी चप्पल पहनते हैं, तो शी यूज्ड टू स्प्रेड थॉर्न्स ऑन प्रॉफिट्स वे. ऊपर पत्ते छत्ते रख देगी, प्रॉफिट वहां से गुजरे तो प्रॉफिट को लगे कि जी जो है वो रास्ता साफ है, और प्रॉफिट भी उनके पाँव पे अगर वो कांटा चुभेगा तो पाँव का जो वूंड है वो जो फुट वूंड है वो बहुत जल्दी हील नहीं होता है. क्योंकि इंसान को अगर यहाँ जख्म लगा है, जब भी वो उठेगा वॉशरूम वगैरह जाएगा, थोड़ा सा भी चले फिरेगा, तो पूरा ब्लड फ्लो जब जो है लोअर बॉडी की तरफ जाएगा तो अगेन एंड अगेन द ब्लड इज गोइंग टू गश आउट, कम आउट, और वो वूंड हील ही नहीं हो पाएगा. तो उम्मे जमील के बारे में सूरह लहब में लिखा है, वो जो प्रॉफिट के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां बिछाती थी, वो जो हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाती थी, उस पे दर्दील अजाब होगा. सो इस पूरी सूरत हाल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और वर्बली फिजिकली असॉल्ट करने वाली जो औरत है उसका नाम है उम्मे जमील, जो आपकी पड़ोसन है. तो देखो उम्मे जमील, उम्मे जमील स्प्रेड थॉर्न्स ऑन हिज वे. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was worshipping in front of the building of Kaaba, and these people at multiple occasions happened to Prophet, asked him why Abu Lahab, Abu Jahl did that. They threw filth on behind Prophet peace on his back. And one day when Hazrat Fatima saw that, obviously no daughter could see her father to be insulted and to be disgraced in that particular manner, especially the father like Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So she cried for Prophet's rescue, and then she was, you know, calling for Prophet's rescue. Abu Bakr Siddiq intervened to help out Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो कुरैश ने एक ओकेजन में अबूबकर सिद्दीक, प्रॉफिट पीस ऑन की जान छुड़ाने के लिए अबूबकर सिद्दीक आए, तो दे बैट अबूबकर सिद्दीक सो हार्ड दैट अबूबकर सिद्दीक लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस. अबूबकर सिद्दीक जब उठे अम्मी के सामने थे, तो वो बात आगे अबूबकर सिद्दीक का किस्सा आएगा, मैं अबूबकर सिद्दीक के अकाउंट में आपको बताऊंगा. लेकिन बताने का मकसद ये कि यहाँ पर कोई मदद के लिए आए तो उसको भी पीटते थे. फिर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ने प्रॉफिट पीस ऑन की बॉडी से वो फिल्थ रिमूव किया, आपका हेड वॉश किया, आपके कपड़े वॉश किए. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम शी यूज्ड टू वीप, शी यूज्ड टू क्राई, क्योंकि द काइंड ऑफ यूथ शी हैड, द काइंड ऑफ चाइल्डहुड शी वाज हैविंग, those were the years of persecution. तो बहुत कठिन आपने वो वक्त देखा. सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने वालिद मोहतरम से थी, और वालिद मोहतरम के लिए वो दिन सबसे ज्यादा मुश्किल थे, जो टाइम आपने जो इनिशियल अपने जो बचपन में नबी इस्लाम के साथ देखा. तो लेकिन अबू जहल अबू लहब, अबू जहल अबू लहब थ्री फिल्थ बिहाइंड हिज बैक. Threw filth behind his back. तो चले जाएं आप, टाइम इज अप, तो निकलिए यहां से, जाइए, टाइम अप हो गया तो अल्लाह हाफिज, निकले आप फाकिया हुसैन, टाइम इज अप, तो आप गेट आउट. सो उकबा बिन अबी मुईद जो है, पीपल ऑफ कुरैश यूज्ड टू टेक टर्न्स एक्चुअली. सो वन डे व्हेन प्रॉफिट वाज वर्शिपिंग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ काबा, द पीपल ऑफ कुरैश जो है वो उन्होंने उकबा को चैलेंज किया, उकबा वी वुड लाइक टू सी दैट हाउ कैन यू टॉर्चर हजरत मोहम्मद पीस ऑन. सो उकबा जस्ट वांटेड टू प्रिटेंड दैट के द काइंड ऑफ टॉर्चर्स ही इज गोइंग टू गिव, और द काइंड ऑफ पेन ही इज गोइंग टू गिव टू प्रॉफिट पीस अपॉन, नो वन एल्स कैन इवन थॉट अबाउट इट.
सोबा बिन अभी मुहित ने जाहिर सी बात है उस पौधरी में लोगों के सामने दिखावा करने के लिए पौधरी को बहुत तकलीफ थी, तो ही वॉज हैविंग अ पीस ऑफ क्लोथ इन हिज हैंड एंड ही डिड व्हाट ही एनसर्कल्ड दैट पीस ऑफ क्लोथ अराउंड द नेक ऑफ नबी अलैहि सलाम एंड ही वॉज यू नो डूइंग द इबादा एंड देन ही पुल्ड दैट पीस ऑफ क्लोथ व्हेन पौधरी वॉज फीलिंग चोक्ड एंड सफोकेटेड। तो हुजूर अलैहि सलाम को मार तो नहीं सकते थे लेकिन तकलीफ ऐसी देते थे कि इंसान की जो है वो थोड़ी थोड़ी करके जान निकल जाए। तो यहाँ पर उकबा बिन अबी मुईद जो है ये जो एग्जाम्पल है एक ओल्ड वुमन की एग्जाम्पल और उकबा की एग्जाम्पल ये माँ की सीन में बार बार आती है। तो उकबा बिन अबी मुईद अटेम्प्टेड टू स्ट्रैंगल हिम आप कुरैश समझ गए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको समझाना मुमकिन नहीं है, प्रॉफिट पीज़ॉन सख्ती की ज़बान नहीं समझ रहे हैं। तो कुरैश ने इरादा किया कि नाउ लेट्स डू वन थिंग, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने के लिए एक मीठी छुरी चलाते हैं। तो कुरैश ने प्रॉफिट पीज़ॉन को यहाँ पर ब्राइब्स ऑफर करना शुरू की। दे थॉट कि प्रॉफिट से प्यार से बात करते हैं शायद नबी इस्लाम मान जाए। सो वन डे द सेम पर्सन वाज सेंट बाय द पीपल ऑफ कुरैश, हिज नेम वाज उकबा बिन अबी मुईद। And they sent this man Uqba bin Abi Mu'ayth to Nabi al-Islam and he said that go and give Prophet beyond these offers from our side. So Quraysh ne Uqba ko jab bheja to Uqba had gone to Prophet Uqba said fine Muhammad, you just let us know what do you want. If you want money, we will collect our entire wealth and we will give it to you. If you want prestige and power, we will never decide any matter without your consultation. And if you want woman, we will marry the fairest lady of Arabia with you, but in exchange of all these offers, Muhammad, you must stop opposing the religion of our fathers and forefathers. When Prophet heard these offers, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam recited the verses of chapter number 32, verses 1 till 21, that is Surah Sajda. Aur Huzur Islam ne jo ayatein padhi, unme Allah ki tawheed aur akhirat ka zikr tha. When Uqba bin Abi Mu'ayth heard these verses, he was shell-shocked. He was stunned. And he could not even utter a single word to Nabi Islam. Being shell-shocked and in a shock, when Uqba bin Abi Mu'ayth was coming back, the people of Quraysh encircled around Uqba bin Abi Mu'ayth. They surrounded Uqba and they kept on asking Uqba the same question. Uqba, what was the reply of Hazrat Muhammad, peace upon him? And Uqba bin Abi Mu'ayth, he said to the people of Quraysh, today I have heard something like what I had never heard before. So Uqba, Prophet ki baaton se mutasir tha. उसको उसकी प्रॉफिट की बातें उसके दिल पर टकरा रही थी एंड ही द काइंड ऑफ स्टेटमेंट ही गेव ही वाज सो इंप्रेस्ड बाय द स्टेटमेंट कि उकबा और ये कुरैश के लोगों को मालूम था कि हुजूर की बातों में वजन है, हुजूर बातें जो करते हैं वो मौजजाती हैं, लेकिन ये फिर भी प्रॉफिट को क्यों नहीं मानते थे, क्योंकि इनको दुनिया ज्यादा प्यारी थी, आखिरत का कोई शौक नहीं था। आज भी बहुत सारे मुसलमान हैं, उन्हें पता है अल्लाह है, उन्हें पता है गुनाह है, उन्हें पता है कि नमाज पढ़नी है, लेकिन वो फिर भी दुनिया के शौक में आखरत को छोड़ देते हैं। जैसे कि उकबा और ये लोग जो प्रॉफिट पियन की बातों को समझते थे, लेकिन इनको पता है कि अगर प्रॉफिट को मान लिया तो एक लड़का जो कबीले बनु हाशिम का है, यूं बनु हाशिम की तरक्की हो जाएगी, बनु हाशिम ऊपर चला जाएगा, वो लड़का कामयाब हो जाएगा, ताकत पैसा दौलत सब उसके पास होगी, हमारा क्या होगा। तो दुनिया की लज्जत और लालच ने इनको इस चीज पे मजबूर किया। तो उकबा को प्रॉफिट ने रिजेक्ट किया, ऑफर दी वेल्थ की, पावर की और वुमेन की, और प्रॉफिट ने रिजेक्शन के लिए जो पढ़ा वो था सूरह सजदा की आयत। तो लिखो दे ऑफर्ड हिम वेल्थ पावर एंड प्रेस्टीज। सॉरी दे ऑफर्ड हिम वेल्थ पावर एंड वुमेन। के बाद लिखे ही डिक्लाइन द ऑफर्स। By reciting verses of Al Sajda. He declined the offers by reciting verses of Al Sajda. कुरैश ने कहा चलो एक और ट्राई करते हैं, और कुरैश ने जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नई लुक्रेटिव ऑफर जमा की है। ऑल द पीपल ऑफ कुरैश, मेजर चीफ ऑफ कुरैश, दे गैदर्ड
and they had gone to Prophet and they said that, fine, Muhammad, fine, we will worship your God. But in exchange, Muhammad, you must worship our gods. Hazrat Muhammad, when he was given that kind of offer, kya aapko phir hamare jo hai wo khudaon ki ibadat karni padegi. Hazrat Muhammad declining this particular offer, Prophet beyond read the verses of Surah Kafirun. In particular, Prophet Muhammad read the verses of Surah Kafirun, verse number 6, in which Prophet peace be upon him said, Lakum deenukum waliyadeen, to you be your religion, to me mine. Tumhare liye tumhara mazhab, mere liye mera deen. Mera khuda sachcha hai, aur ab mere sachche khuda ki sachchai ko sabit karne ke liye mujhe aapke jhoote khudaon ki paristish ya ibadat karne ki koi zarurat nahi hai. Kehte hain Surah Kafirun ki jo hai wo language hai Surah Kafirun mein Quraysh ki jo hai wo ko ki taraf jo hai wo is tarah ka reaction dene ki baat, Quraysh aur zyada tortures mein aage bade aur isi ki baat wo boycott jaisi jo hai wo badtameezi ki taraf aage bade. Aur dekhen, they offered him worshipping gods of each other. Worshipping gods of each other. But again, Prophet, please don't decline the offers by reciting 109:6. Jo hai, wo hai Al-Kafirun. Al-Kafirun. शर्म तो सर अभी भी लोगों में कम हो गई है. तो जब इंसान के ऊपर जो है शैतान तारी होता है तो वो इस समय से और भी गली सरकते करता है. मोटरवे का वाक्य आपके सामने. चलो बेटा, मैं 3-4 मिनट के अंदर क्लास खत्म कर रहा हूँ. इसके आगे के पॉइंट्स में टाइप करूंगा. प्लीज मेरे साथ जरा आखिरी गुफ्तगू सुन लो. आई नो कि थोड़ा सा टाइम ऊपर चला गया, लेकिन आई एम वेरी सॉरी. मैं टॉपिक चाह रहा था कि इसी क्लास में खत्म करो. तो यहाँ पर जो है वो कुरैश ने अभी देखा कि दे कुड नॉट स्टॉप हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड दे कुड नॉट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ इस्लाम. दे थ्रेटन्ड अबू तालिब. थ्रेट्स क्या थे? अबू तालिब, स्टॉप योर नेफ्यू, विदड्रॉ प्रोटेक्शन फ्रॉम योर नेफ्यू, हैंड ओवर योर नेफ्यू टू अस. अबू तालिब पे इतने सारे चीफ का जब प्रेशर पड़ा, अबू तालिब हैड अ वर्ड विद नबी इस्लाम एंड प्रॉफिट पीस ऑन अबू तालिब ने कहा कि नेफ्यू गिव मी द बर्डन आई कैन शोल्डर ऑन. अब प्रॉफिट और अबू तालिब का ना इमोशनल रिलेशन है. कोई गैर रोके तो मसला नहीं है, अपना कोई बात करे तो वो तकलीफ बढ़ती है. So fatherly figure है. Prophet को लग रहा है कि अबू तालिब शायद tribal security withdraw करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था. He was just asking Prophet Muhammad to be cautious. Nephew, give me the burden I can shoulder on. तो हजरत अबू तालिब जो हैं, जब उन्होंने ये बात बोली तो Prophet के बारे में आता है कि Prophet इतने emotional हो गए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है जब statements बोली तो Prophet began to cry. Prophet said, beloved uncle, if Quraysh put sun in my right hand and moon in my left hand and ask me to abandon the mission of Islamic preaching, I'm not going to do so unless my Lord orders me to stop preaching, or I will die while offering the mission of Islamic preaching. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne jab ye baat boli to Prophet began to cry, because he was a little upset that everybody is stopping Prophet. That's fine because they were the enemies, but he's a beloved uncle and he's a person who is giving immunity and protection. And why he's asking Prophet beyond to, you know, to be cautious or to be reluctant or to doing something which Prophet believed in. So जब प्रॉफिट बियॉन की हालत देखी और इतनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट देखी नबी ने इस्लाम की, इतनी डिटर्मिनेशन देखी, तो अबू तालिब सेड, नेफ्यू ड्रॉ क्लोजर, करीब आइए. व्हेन प्रॉफिट ड्रू क्लोजर, हजरत अबू तालिब किसिंग ऑन नबी इस्लाम्स फोरहेड, देन ही सेड, नेफ्यू, यू हैव माय सपोर्ट एंड माय प्रोटेक्शन फ्रॉम माय साइड एज लॉन्ग एज यू विश, एज लॉन्ग एज यू वांट. हजरत अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद सलम के लिए प्रोटेक्शन कंटिन्यू किया तो कुरैश का रिएक्शन आया, बॉयकॉट. बॉयकॉट 3 साल चला तो उसने हंगर थर्स्टी हीट के मसले थे, आउटलाइन होगा खाली. बॉयकॉट भी खत्म होते ही अबू तालिब, हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ. प्रॉफिट टाइप गए प्रीचिंग के लिए, क्योंकि आपको अबू लहब ने सिक्योरिटी जो दी थी वो यूजलेस थी. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद जब जो है वो पिलग्रिम्स को इनवाइट करते हैं, तो पिलग्रिम्स को इनवाइट करने पे आपको तीसरे साल जो है यानी कि 622 AD में मदीनाइट्स का इन्विटेशन मिलता है, अल्लाह की इजाजत मिलती है. प्रॉफिट मक्का से चले गए मदीना. तो ये हो गया मामला खत्म. तो असर की नमाज अभी कजा नहीं हुई, अभी भी हमारे पास जो है वो 25-30 मिनट बाकी है. परेशान होने की जरूरत नहीं है, असर की नमाज आपकी कहीं नहीं जाएगी. अब ये पॉइंट्स कॉपी कर लें. ये लीजिए, ये कॉपी कर लें. 35 तक चले, 2 मिनट में कॉपी करके चले जाएं.
मैं भी चला जाता हूँ, मुझे भी नमाज पढ़नी है, आपको भी पढ़नी है। सुहाना हमदान लिख रहे, डन। कैसे भाई? ये हम वर्बली में क्यों लिखेंगे भाई? वर्बली का तो मैंने पहले पॉइंट लिखवा दिए। मोहम्मद शही कैसी बातें करो? वर्बली, मेंटली, फिजिकली, मॉरली तो मैं पॉइंट लिखता रहा हूं ना स्क्रीन पे साथ साथ, वो तो हो चुके। ये आपके सोशली फाइनेंशियली से लेके एंड तक के पॉइंट्स हैं, ये कॉपी कर लें, वरना फिर नमाज के बाद जो है वो आप जो है वो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे। तो चलते हैं फिर, मैं क्लास एंड कर देता हूँ। हम आप कल मिलेंगे, कल हम माइग्रेशन टू अबिसिनिया पढ़ेंगे, उसका पार्ट बी हमने करना है। वर्सेस सूरह सजदा वर अबाउट द यूनिटी ऑफ अल्लाह एंड दीज वर्सेस वर अबाउट द डे ऑफ जजमेंट। तो वो 21 वर्सेस हैं, 21 वर्सेस तो मेरा बच्चा नहीं लिख सकते ना। मोहम्मद बासिम, व्हाट फ्रेम यू आर टॉकिंग अबाउट? कौन सा फ्रेम? नहीं सर, मैं स्क्रीन नहीं बदल सकता। मेंटल टॉर्चर मैं आपको ऐसी बता सकता हूँ, खुदा नमान, मेंटल टॉर्चर के दो पॉइंट्स हैं, परसिक्यूशन ऑन प्रॉफिट्स फॉलोअर्स, और दूसरा पॉइंट है दे कॉल्ड प्रॉफिट पीस ऑन अब्तर, व्हिच मींस अ मैन विद नो मेल ऑफस्प्रिंग। मेंटल टॉर्चर ही बता रहा हूँ मास फैसल, मेंटल टॉर्चर के दो पॉइंट्स हैं, परसिक्यूशन ऑन प्रॉफिट पीस अपॉन हिज फॉलोअर्स एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है दे कॉल्ड हिम अब्तर, व्हिच मींस अ मैन विद नो मेल ऑफस्प्रिंग। Dean Ibrahimi were the teachings which were left, or jo ke were the remaining teachings followed by the people of Makkah or Arabia at that time. So it was a monotheistic religion in which the people obviously worshipped one God. Hazrat Ibrahim ki jo teachings remaining thi chali bhi aayi thi, wo teachings to baad mein beech mein miss hoti nahi, Sufi Ibrahim bhi gayab ho gayi. To jo teachings thi ke Kaaba hai, Haj karna hai, Allah ki ibadat karni hai, to un limited teachings ko jo log follow karte the wo Dean Ibrahimi ke liye. बेटा आप जो शुरू वाले आंसर्स देखने हैं वो रिकॉर्डिंग में देखना, मैं अभी लगा दूंगा मगरिब की नमाज के बाद। अभी ये वाली स्क्रीन मैं नहीं हटा सकता बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग पॉइंट्स फ्रॉम दिस स्क्रीन। आई एम नॉट यू नो स्विचिंग द स्क्रीन, प्लीज, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। डिवोर्सिंग प्रॉफिट्स डॉटर बिलाल को हमने इनिशियल में ही डिस्कस कर लिया था। द थ्री डिसीजंस वर मेड अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट टू किल हिम, टू प्रोसिक्यूट हिम, and then to spread a rumor that he was a magician, and then the third point that Abu Lahab ordered his sons to divorce Prophet's daughters. Usko hum kisi section mein nahi lekar aaye, humne usko upar jo hai wo P2 ke start mein discuss kar liya tha. Morally ke baad ye karna hai jo screen pe aa raha hai Maryam Farhan, morally ke baad socially and financially ki heading deke sara hi kaam kar lena. To socially and financially se leke end tak ki heading jo hai wo yahan par hi points hai. How can Dean Ibrahimi still follow Bita Jannat? और वैसे नोट्स आ गए हैं आपके डिफेंस कैंपस में, उम्मीद है कि आपने कांटेक्ट कर लिया होगा। कल मैंने थोड़ी सी खिंचाई की है उसकी, क्योंकि मुझे पता चला कि वो परसों रात को ही नोट्स जो है वो इशू करवा के गया था ताकि स्टूडेंट्स को दे सके। महक बेटा, रिकॉर्डिंग एक्सेस करने के लिए आप देखें आपके ईमेल एड्रेस पे, जिसने ईमेल एड्रेस से आप रजिस्टर्ड हो उसके इनबॉक्स में आपके पास ईमेल आई होगी शेयर पॉइंट के नाम से। उस ईमेल पे आप जाके इनबॉक्स उस पे फोल्डर पे क्लिक करेंगी तो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा आपको अपने ही ईमेल एड्रेस का। और अगर कोई कोड मांगे तो आपके इनबॉक्स में या आपके जंक के स्पैम मेल पे कोड आएगा, वो कोड एंटर करेंगी तो आपको फोल्डर का एक्सेस मिल जाएगा। वहीं PDF फाइल्स भी हैं, वहीं पर रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है, और आज मैं प्रोसिक्यूशन की PDF भी वहीं सेव कर दूंगा। जी फातिमा, इंशाल्लाह वर्कशॉप या मैं कभी कोचिंग में उनको लाऊंगा बच्ची को अपनी, तो आप मिलिएगा मेरी बेटी आयजा से, उसको भी बड़ा शौक है मेरे स्टूडेंट से मिलने का। ठीक है सर, क्लास यहाँ खत्म करते हैं। आई डिड नॉट रियलाइज कि 35 पे असर का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाह आपको भी बहुत खुश रखे, अल्लाह आपके वालदैन को बहुत खुश रखे, और फिर हम इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।